हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ पनाग विलास फिल्म के बारे में, जिसका प्रकाशन लव एड्रेस द्वारा निखिल मुरली द्वारा निर्देशित किया गया और ग्रीन रूट से प्रोड्यूसर के बैनर के तले सीबी चावल और रजनी नायर के द्वारा निर्मित किया गया। वहीं 2023 की भारतीय मलयालम फिल्म में इसे अर्जुन अशोक आनवास द्वारा, राजन ममित बज्जू और हकीम सो मनोज केओक द्वारा मुख्य भूमिका में की गई। यह फिल्म 24 फरवरी 2023 को रिलीज की गई। इसका बात करें तो फिल्म के निर्देशक निखिल मुरली है। वहीं इसका लेखन ज्योति एम सुन एम वी के द्वारा किया गया। वहीं इसकी उत्पादन सीवी चावला और रजनीकांत नायर के द्वारा किया गया। अभिनेता अर्जुन अशोक और अनवार राजभर द्वारा किया जाता है। जहाँ पर बात करें तो छायाकांत की तो सिनोज है, बात करें तो संपादक की इसमें तो बिनोज नेपोलियन है। वहीं संगीत को शासन रहमान द्वारा दिया गया। वहीं इसकी प्रोड्यूसर कंपनी ग्रीन ग्रुप से प्रोड्यूसर रही है। बताया जाता है कि इसकी रिलीज की तारीख 24 फरवरी 2023 रखी गई है। भारत के मलयालम भाषाओं के साथ फिल्म को रिलीज किया गया। तो बात करें तो इसकी उत्पादन की फिल्म का पहला लुक 31 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। जहां पर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा रिलीज के तारीख 17 फरवरी 2023 को घोषणा की गई कि इसे स्थगित कर दिया गया और 24 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया। बाद में टीजर और गीत वीडियो जारी किया गया और ट्रेलर किया गया, जहाँ पर प्रणय विलास द्वारा फिल्म की कहानी एक कॉलेज छात्र और सूरज और उसके परिवार के इर्द गिर्द शुरू होती है। इधर सूरज हमेशा संगीत के क्षेत्रों में आगे बढ़ता है और चाहता है कि वह, लेकिन अंत तक में अपने पिता के आग्रह के लिए उसे विषयों को पढ़ने के लिए और उसे दूसरे विश्वविद्यालय को जाना पड़े, जहाँ पर दोनों को पसंद नहीं होती और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने से हमेशा दुखी रहता है। जहाँ पर अपने पिता के इच्छा के अनुसार और उसके और पिता के रूप में बहुत अच्छे संबंध होते हैं, ऐसा देखा जाता है कि साथ ही उनके पिता के वेन राजीव को फिल्म में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में दिखाया गया जो एक ग्राम अधिकारी के कार्य में काम करता है। उन्हें स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चरित्रित किया गया जो अक्सर अपने पत्नी अनुश्रुति के बच्चे की ज्यादा परवाह किए बिना है, जो बिना अपने मर्जी से अपने जीवन को नियंत्रित करता है। अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान राजीव मीरा द्वारा एक लकड़ी के साथ रिश्ते में आई और उसके टुकड़े के बाद एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसमें मन की स्थिति होता है और उससे मीना के द्वारा साथ अपने रिश्ते के परिवार के सदस्यों को दूर और नया जीवन शुरू करने के लिए कहता है। इसी बीच रेहाना नामक की एक लड़की आती है और उसके साथ अपने पहले रोमांटिक रिश्ते टूटने के साथ बताती है, जहाँ पर वह कहती है कि सूरज के अपने सबसे अच्छे दोस्त गोपिन के साथ अपना नया रिश्ता शुरू करता है। जहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक बताते हैं कि अंजना जॉर्ज ने इसे 3.5 स्टार देते हुए लिखा कि रोमांस पर एक ताजा कदम है। जहाँ पर द हिंदू के साथ प्रवीण आलोक के समीक्षाओं के मिश्रित किया गया है। वहीं द न्यूज एक्सप्रेस के साजिश और श्री जीत द्वारा भावनात्मक त्राग द्वारा यह बंद हो गया है, जहाँ पर मिशन द्वारा हुआ और निर्देशक द्वारा किया गया। बताया जाता कि 5 में से 3.5 स्टार दिया गया, जहाँ पर OTT संजीन के सिद्धार्थ द्वारा लिखे गए कुछ पालकों द्वारा अलावों द्वारा जो दिल को छू लेने वाली प्रणय विलासा के बारे में एक घूमने वाला मामला है जो काफी हिट नहीं करता है। बताया जाता है कि हालांकि समय के साथ आलोचनात्मक 5 में से 3.5 स्टार दिए गए इंडियन एक्सप्रेस के आलोचनात्मक समीक्षा द्वारा मिश्रित दिया गया, जहां पर 5 में से 3 स्टार देते हुए अन्यान MMS व्यक्ति कार्ड फास्ट फूड के आलोचनात्मक द्वारा कहा गया। जहां पर प्रणया विलास द्वारा नई जमानत हुई, जहां पर जमीन तोड़ना शुरू चाहता था लेकिन यह तो बहुत डरता था और पूरे हॉन्ग में जाने में असमर्थ था, जो यहाँ और ना कि कहीं और परिणाम स्वरूप या गुंगेरे हो जाते हैं। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी अच्छी है। बात करें तो इसके अभिनेता अर्जुन अशोक की तो यह एक बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं जो बहुत बेहतरीन फिल्मों में अपने अदाकारी से काम किए हैं और मलयालम में उद्योग में काम करने के बजाय और अधिक फिल्मों में काम किए सहायक अभिनेता के रूप में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। वह मलयालम और अभिनेता हरिश्रुति अशोक के बेटे के साथ हैं। वहीं आर्केस्टू और ओरिक और मांड कुटू के साथ अपनी शुरुआत करते हैं, जहां पर वह परवाना के साथ छाप छोड़ जाती है जो पुरसोविना से जाहिर करती है और पहले निर्देशक के फिल्म और बाद में बी
टेक और विजय बाबू द्वारा निर्मित स्पीकर हिट जूनियर और टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद अपने पहले फिल्म के लिए अपने आप को एक दृश्य चुराने वाले बताते हैं, जहां पर वह रात उड़ा, सुपर, सरयान और एक अंतर्राष्ट्रीय कहानी जैसी फिल्मों में देखी गई है, जो उनके अभिनेता और पिता हरीश द्वारा कहा जाता है। बात करें तो इसमें फिल्मग्राफी की, तो यह जब तक अन्यार्थी की बात कही तब तक चली। बताया गया कि इसमें बहुत अच्छी अदाकारी से अपनी सब ने सुर्खियां बटोरी और अर्जुन, अशोक आरवास, राजन और ममिता बाजू द्वारा महान सितारे को भी देखा गया। बात करें तो ममता बेजू की, जो भारतीय अभिनेत्री है जो प्रमुख रूप से मलयालम फिल्मों में काम करती है और उन्होंने 2007 और 2017 में सौरपालिन पक्कल के माध्यम से शुरुआत किया। वह अपने औपचारिक जावा 2021 में अफसोला खोखा और 2021 में आजू और सुपर सरनिया द्वारा 2022 सोना की भूमिका में नजर आए। बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन की, ममिता बेजू केरल के कोटियाल जिले के किदुगिरी में रहने वाली है। उनके माता पिता डॉक्टर बेजू और मिनिक बेजू के साथ उनका एक बड़ा भाई है, जहां पर मिधुन नाम है, जो ममता ने अपने स्कूली शिक्षा मेरिन माउंट बब्लिक स्कूल द्वारा कचीरा और एनएस हायरिंग सेकेंडरी स्कूल किरदूर के साथ किया, जहां पर मनोवैज्ञानिक हमें बीबीएस कर रहे थे। बात करें तो इनकी पुरस्कार की, तो यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन और इनके संदर्भ में काफ़ी अच्छी है। वहीं बताया जाता है कि इसके मलयालम तगलु और परनायक विनाश की कहानी को उजागर करती है। बात करें तो कहानी की, तो परनायक विनाश की कहानी एक कॉलेज के छात्र सूरज और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। सूरज हमेशा संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अंत में उन्हें अपने पहले पिता के आग्रह के कारण उसे अन्य विषयों को पढ़ने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय जाना पड़ता है, जो एक पसंद करता है, लेकिन और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने से हमेशा दुखी रहता है। अपने पिता की इच्छा के अनुसार और उसके और उसके पिता की पीछे बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते हैं, ऐसा देखा गया कि ये साथ ही उनके पिता वेनक और राजीव को अपने पिता में सरकारी कर्मचारियों के रूप में दिखाया गया, जो एकल ग्राम अधिकारी के रूप में कार्य किया गया और उनके एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रण किया गया, जो अक्सर अपनी पत्नी अनुश्री और अपने बच्चे को ज्यादा परवाह के बिना अपनी मर्जी के बिना बात कही। जहाँ पर जीवित नियंत्रित और अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान राजीव मीरा नामक की एक लड़की के साथ रिश्ते में है और उसके टूटने के बाद एक ऐसा व्यक्ति बन गया जाता है जो मन की स्थिति में और मीरा के साथ अपने रिश्ते के कारण अपने परिवार के सदस्यों से दूर हो जाता है। और जीवन के शुरुआती में इस बीच रेहाना नामक की एक लड़की साथ आती है, जहाँ पर देखा जाता है कि वह सबसे अच्छी दोस्त और गोपनीयता के साथ आती है। बताया जाता है कि बॉक्स ऑफिस पर मूवी को टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 10 दिनों में 2.5 करोड़ के रुपए की कमाई की। द टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचनात्मक अंजला जॉर्ज ने इसे 3.5 स्टार देते हुए लिखा कि रोमांस के ताजा कदम द हिंदू के एस प्रवीण कुमार आलोचनात्मक समीक्षाओं के साथ मिश्रा किया, जहाँ पर द न्यूज एक्सप्रेस के साजिश द्वारा श्रीजात कहा गया, जहाँ पर परनया विलास उनमें कही। इसके अलावा भावनात्मक राग मारा द्वारा यह बंद हो जाता है, यहाँ पर मिशन द्वारा पूरा किया गया। बताया गया कि 5 में से 3.5 स्टार, जहाँ पर ओटी प्लेट के राजीव सिद्धार्थ द्वारा लिखा गया और कुछ पलों के अलावा जो दिल को छू लेंगे, जहाँ पर प्रणय विलास एक छुपने वाला मामला है जो काफी हिट नहीं करता। वहीं हालांकि समय के आलोचनात्मक 5 में से 3.5 स्टार दिया गया, जहां पर इंडियन एक्सप्रेस के आलोचनात्मक समीक्षाओं द्वारा मिश्रित किया गया 5 में से 3 स्टार रेटिंग देते हुए अन्ना एमएमएस वेंकैया स्कास्ट फर्स्ट के साथ आलोचनात्मक द्वारा पर नया विलास द्वारा नई जमीन तोड़ना चाहता है, लेकिन यह तो बहुत डरता है। वहीं पूरे हॉन्ग में जाने से असमर्थ होता है, जहां पर हिक हॉक परिणाम स्वरूप गुंगेरे के साथ देखा जाता है। बताया जाता है कि परनिया विलास अनारसवा द्वारा राजन के द्वारा एक बहुत बेहतरीन अदाकारी के साथ नजर आते हैं। बात करें तो यह एक अभिनेत्री है जो प्रमुख रूप से मलयालम फिल्मों में काम करती है और उनके मलयालम लघु उद्योग क्लोब के अभिनय की शुरुआत में उनकी पहली फीचर फिल्म उधार सुजादा 2017 में अनारसवा द्वारा व्यावसायिक रूप से सफलता मलयालम फिल्म में
थनिक मथर्न और दिंगवन द्वारा 2019 के सुपर सारनिया 2022 के मध्यम लोकप्रियता हासिल की। इसके प्रारंभिक जीवन के अनवार्स द्वारा 8 सितंबर 2002 को कनीरूल के मूल निवासी राजन और उषा के घर में हुआ। उन्होंने सेट के मेरी गर्ल्स हुई स्कूल पियरिक नामक की प्राप्ति की, जहां पर कैरियोग्राफी के साथ अनारसा द्वारा 2017 में उधार सुजाद के साथ सुजादा कृष्ण की विद्रोही बेटे और अनिता कृष्ण के रूप में अभिनय की शुरुआत किया, जहां पर अन्य फिल्मों के संक्षिप्त भूमिका निभाने के बाद अनारसवा द्वारा 2019 की कार्तिक मथुन और दिलगन ने अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई, जहां पर अनारस द्वारा 2022 में रिलीज तिरजा और स्टार रानी के साथ कामिल उद्योग में प्रवेश किया। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी अच्छी है। वहीं दूसरी ओर अभिनेता के रूप में अर्जुन अशोक है, जो जिनका जन्म 24 अगस्त 1992 को मलयालम उद्योग में हुआ, जो भारतीय अभिनेता सहायक अभिनेता कर्ता के रूप में भूमिका के नजर में आ चुके हैं। बताया जाता है कि यह काफी बेहतरीन और मलयालम हरीश अशोक के और कुष्ठ द्वारा उरु कोमुक के साथ अपनी शुरुआती करते हैं, जहां पर प्रवाह के साथ छाप छोड़ती है और जो सोबिना जाहिर की पहली निर्देशक फिल्म है, जो बाद में टैग और विजय बाबू द्वारा निर्मित स्कीपर जून और टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा उन्हें बाद की फिल्म के लिए अपने आप में दृश्य चुराते हैं, जहां पर वह बताता है कि अपने दृश्यों को चुराने वाले और वरात, उड़ाल, सुपर सरयान और एक अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय कहानी जैसी फिल्मों में देखा गया था, जो उनके अभिनेता पिता हरीश अशोक द्वारा बात कही गई थी, जहां पर काम करते हुए कहा गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है। वहीं बात करें तो प्रज्ञा विलास की, तो जो एक लव एड्रेस लिखी मुरली निर्देशक और ग्रीन रूप मेड्रोस द्वारा बैनर तले नेबोल चावला के साथ निर्मित किया गया, जहां पर एक भारतीय मलयालम में इसे अर्जुन अवराज द्वारा, ममिता देजूज हलिकूद मनुज द्वारा के व्यूज मुख्य भूमिका के लिए 24 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया। बताया जाता है कि इसकी ढालात्मक बात कहें तो फिल्म की पहला लुक 31 दिसंबर को जारी किया गया था, जहां पर प्रोड्यूसर द्वारा कंपनी तारीख के साथ बात कहा गया था। बताया जाता है कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी लाजवाब है, जहां पर प्रज्ञा विलास फिल्म की कहानी एक कॉलेज छात्र सूरज और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, शुरुआती होती है, जहाँ पर सूरज हमेशा गीत के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इच्छा रखता है, लेकिन अंत में अपने पिता के आग्रह के कारण उसे अन्य विषयों को पढ़ने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है, जो उसे पसंद नहीं है और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने से हमेशा दुखी रहता है। अपने पिता की इच्छा के अनुसार और उसके पिता के बीच बहुत अच्छे संबंध नहीं है, ऐसा देखा गया कि साथ ही उनके पिता वेना राजीव को फिल्म में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में दिखाया गया, जो एक ग्राम अधिकारी के कार्यालयों में काम करता है और उन्हें एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया, जो अक्सर अपने पत्नी अनुश्रुति के और बच्चे की परवाह किए बिना अपनी मर्जी के अपने जीवन को नियंत्रित करता। अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान राजीव को मार डाला, जहां पर देखा गया कि राजीव के द्वारा अपने रिश्ते और इसके टूटने के बाद की बात कही, जहां पर ऐसे व्यक्ति बन गए जाते हैं जो मन की स्थिति में होते हैं, जो पर मीरा के साथ अपने रिश्ते के कारण अपने परिवार सदस्यों से दूर और एक नया जीवन शुरू करता है। इस बीच रेहाना नामक की एक लड़की के साथ पहले रोमांटिक रिश्ते टूटने के बाद सूरज अपने रिश्ते दोस्त के साथ अच्छे करते हैं और गोपनीयता के साथ रिश्ते को बनाए रखते हैं, जहां पर देखा जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी लाजवाब है। वहीं रिश्ते के टूटने के बाद सूरज द्वारा अपने स्टार्टिव द अर्जुन अशोक द्वारा बताया गया कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन और ममिताज की एक बात कही, जहां पर देखा गया कि यह फिल्म हर एक मामले में अच्छी है। वहीं वानरसा राजद द्वारा 8 सितंबर 2002 को जिनका जन्म हुआ, जो अभिनेत्री के रूप में काम करती है और बाहरी टिप्पणियों को देखती है। वहीं वाराणसी में 2017 में उत्तराध सुजात के साथ कृष्णा विद्रोही के बेटे उथिल कृष्ण के रूप में अभिनय की शुरुआत की, जहां पर कुछ अन्य फिल्मों में संक्षिप्त भूमिका निभाने के बाद वाराणसी 2019 की फिल्म के साथ अनिरुद्ध मथन दिनवन ने अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई, जहां पर अनराज द्वारा 2022 को रिलीज हुआ, जहां पर तिरसा स्टार और रंगीन के साथ तमिल के उद्योग में प्रवेश किया। बताया जाता है कि इसके रावणाज द्वारा उधार सुजादा के साथ काम किया, जहां पर मलयालम के साथ देखा जाता है। बताया जाता है कि यह फिल्म प्रज्ञा विलास के द्वारा निखिल और मुरलिक
द्वारा निर्देशित और ग्रीन रूम प्रोड्यूसर के बैनर के तले चिबिक चावल के राजीक द्वारा निर्मित किया गया, जहां पर भारतीय मलयालम फिल्म के साथ इसे अशोक अरनाज और राजत मुमिताज बेजू हकीक फौज मनोज केयूर और मुख्य भूमिका में है। जय यह फिल्म 24 फरवरी 2023 को है। बताया जाता है कि इसकी इर्द सूरज हमेशा संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, लेकिन अंत में अपने पिता के आग्रह के कारण उसे अन्य विषयों को पढ़ने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है, जो उसे पसंद नहीं है, और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने में हमेशा दुखी रहता है। अपने पिता की इच्छा के अनुसार उसके पिता के बीच एक बहुत अच्छा संबंध नहीं है, ऐसा देखा गया कि साथ ही उनके पिता वेनियाल राजीव के फिल्म में सरकारी कर्मचारी के रूप में दिखाया गया, जो एक ग्राम अधिकारी के कार्यों में काम करता और होगा एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया, जो अवसरों की तलाश करता और एक स्वार्थी व्यक्ति के चित्र के साथ देखा जाता और बच्चे की ज्यादा परवाह किए बिना अपनी मर्जी में अपने जीवन को नियंत्रित करता है, जहाँ पर अपने विश्वविद्यालय के करियर के साथ दिखाया जाता है। इसके बाद अपने परिवार के सदस्यों को दूर नया जीवन के साथ रहना पड़ता है, जहाँ पर लड़की के साथ अपने रोमांटिक रिश्ते को टूटने के बाद सूरज अपने अच्छे दोस्त गोपनीता के साथ जोड़ता है। बताया जाता है कि वह अपने संदर्भ को अच्छे रखते हैं। वहीं बात करें तो फिल्म रोमांचक हो जाती है, जहाँ पर बहुत अच्छे हैं। कहा जाता है कि इस फिल्म को काफी अच्छे से बनाया गया और पोस्टर लुकिंग के साथ कुछ बेहतरीन ढंग से किया गया, जहाँ पर अर्नुज और मियाँ जॉर्ज की भी लुक देखी गई। मियाँ जॉर्ज की बात करें, जो मच्छी के नाम मियाँ जॉर्ज के अधिक सामान्य मियाँ के नाम से जानी जाती है और वह अपने भारतीय अभिनेत्री के रूप में मलयालम फिल्मों में काम करती है। उन्होंने टेलीविजन शो में सहायक भूमिका निभाई, जहाँ पर अभिनेत्री के रूप में कोरियोग्राफर और ईस्ट ऑफ लव लोग के साथ डॉक्टर लव 2011 में अर्जिरदिया के साथ देखा जाता है। बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन की, तो मियाँ का जन्म डॉबलिंग के मुंबई जॉर्ज जोसेफ मिनिक नामक के जॉर्ज की बेटी में हुआ था, जहाँ पर एक सिरो मलबार और कैथोलिक परिवार के रूप में हुआ, जहाँ उनके पिता और इंजीनियर के रूप में काम करने के बाद में 4 साल की उम्र में वह कोटा में पालक चली गई और उनके स्कूली शिक्षा के बाद बताया गया कि वह अपने हायर सेकेंडरी स्कूल भारमंग के साथ उन्होंने अफसोस कॉलेज के साथ पलायक बीएम की डिग्री पूरी की, जहां पर सेठ थॉम्स के साथ कॉलेज के साथ की, जहां पर एक प्लाइग एक बड़ी बहन की ग्रीन में काम की, जिसके शादी लिजोज में काम करते हैं, जहां पर बेंगलोर में रहते हैं। वहीं 22 को बताया गया कि यह 2022 को 12 सितंबर को मियाँ के कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण उसे साधारण समारोह में सेठ के बेजरीब ऑफ कुर्दाक व्यवसायिक की असफलता के साथ फिलिप्स की शादी की गई, जहां पर देखा जाता है कि वह अपने जॉर्ज जोसेफ के 2 महीने के बाद सितंबर 2021 में मृत्यु और उनके टेलीविजन धारावाहिकों के अफसोमाना के साथ कुजालिंक और मार्करा में सहायक भूमिका निभाकर अपने करियर की शुरुआत की। डॉक्टर लव और ईजा आतूत कलाद के अभिनय के साथ अपने भूमिका के लिए काफ़ी जाने जाते हैं और यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छी है। बताया जाता है कि परनाय विलास एक बेहतरीन तमिल मलयालम फिल्म है और इसे हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ परनाग विलास फिल्म के बारे में, जिसका प्रकाशन लव एड्रेस द्वारा निखिल मुरली द्वारा निर्देशित किया गया और ग्रीन रूप से प्रोड्यूसर के बैनर के तले सीबी चावल और रजनी नायर के द्वारा निर्मित किया गया। वहीं 2023 की भारतीय मलयालम फिल्म में इसे अर्जुन अशोक आनवास द्वारा राजन ममित बज्जू और हकीम सो मनोज केउक द्वारा मुख्य भूमिका में की गई। यह फिल्म 24 फरवरी 2023 को रिलीज की गई। इसका बात करें तो फिल्म के निर्देशक निखिल मुरली है, वहीं इसका लेखन ज्योति एम सुन एम वी के द्वारा किया गया, वहीं इसकी उत्पादन सीवी चावला और रजनीकांत नायर के द्वारा किया गया, अभिनेता अर्जुन अशोक और अनवार राजभर द्वारा किया जाता है। जहाँ पर बात करें तो छायाकांत की तो सिनोज है, बात करें तो संपादक की इसमें तो विनोज नेपोलियन है, वहीं संगीत को शासन रहमान द्वारा दिया गया, वहीं इसकी प्रोड्यूसर कंपनी ग्रीन ग्रुप से प्रोड्यूसर रही है। बताया जाता है कि इसकी रिलीज की तारीख 24 फरवरी 2023 रखी गई है। भारत के मलयालम भाषाओं के साथ फिल्म को रिलीज किया गया। तो बात करें तो इसकी उत्पादन की फिल्म का पहला लुक 31 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था, जहां पर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा रिलीज के तारीख 17 फरवरी 2023 को घोषणा की गई कि इसे स्थगित कर दिया गया और 24 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया। बाद में टीजर और गीत वीडियो जारी किया गया और ट्रेलर किया गया, जहां पर प्रणय
विलास द्वारा फिल्म की कहानी एक कॉलेज छात्र और सूरज और उसके परिवार के इर्द गिर्द शुरू होती है। इधर सूरज हमेशा संगीत के क्षेत्रों में आगे बढ़ता है और चाहता है कि वह, लेकिन अंत तक में अपने पिता के आग्रह के लिए उसे विषयों को पढ़ने के लिए और उसे दूसरे विश्वविद्यालय को जाना पड़े, जहाँ पर दोनों को पसंद नहीं होती और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने से हमेशा दुखी रहता है। जहाँ पर अपने पिता के इच्छा के अनुसार और उसके और पिता के रूप में बहुत अच्छे संबंध होते हैं, ऐसा देखा जाता है कि साथ ही उनके पिता के वेन राजीव को फिल्म में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में दिखाया गया जो एक ग्राम अधिकारी के कार्य में काम करता है। उन्हें स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चरित्रित किया गया जो अक्सर अपने पत्नी अनुश्रुति के बच्चे की ज्यादा परवाह किए बिना है, जो बिना अपने मर्जी से अपने जीवन को नियंत्रित करता है। अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान राजीव मीरा द्वारा एक लकड़ी के साथ रिश्ते में आई और उसके टुकड़े के बाद एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसमें मन की स्थिति होता है और उससे मीना के द्वारा साथ अपने रिश्ते के परिवार के सदस्यों को दूर और नया जीवन शुरू करने के लिए कहता है। इसी बीच रेहाना नामक की एक लड़की आती है और उसके साथ अपने पहले रोमांटिक रिश्ते टूटने के साथ बताती है, जहाँ पर वह कहती है कि सूरज के अपने सबसे अच्छे दोस्त गोपिन के साथ अपना नया रिश्ता शुरू करता है। जहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक बताते हैं कि अंजना जॉर्ज ने इसे 3.5 स्टार देते हुए लिखा कि रोमांस पर एक ताजा कदम है। जहाँ पर द हिंदू के साथ प्रवीण आलोक के समीक्षाओं के मिश्रित किया गया है, वहीं द न्यूज एक्सप्रेस के साजिश और श्री जीत द्वारा भावनात्मक त्राग द्वारा यह बंद हो गया है। जहाँ पर मिशन द्वारा हुआ और निर्देशक द्वारा किया गया, बताया जाता कि 5 में से 3.5 स्टार दिया गया। जहाँ पर OT2 संजीन के सिद्धार्थ द्वारा लिखे गए कुछ पालकों द्वारा अलावों द्वारा जो दिल को छू लेने वाली प्रणय विलासा के बारे में एक घूमने वाला मामला है जो काफी हिट नहीं करता है। बताया जाता है कि हालांकि समय के साथ आलोचनात्मक 5 में से 3.5 स्टार दिए गए, इंडियन एक्सप्रेस के आलोचनात्मक समीक्षा द्वारा मिश्रित दिया गया, जहां पर 5 में से 3 स्टार देते हुए अन्यान MMS व्यक्ति कार्ड फास्ट फूड के आलोचनात्मक द्वारा कहा गया। जहाँ पर प्रणया विलास द्वारा नई जमानत हुई, जहाँ पर जमीन तोड़ना शुरू चाहता था लेकिन यह तो बहुत डरता था और पूरे हॉन्ग में जाने में असमर्थ था, जो यहाँ और ना कि कहीं और परिणाम स्वरूप या गुंगेरे हो जाते हैं। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी अच्छी है। बात करें तो इसके अभिनेता अर्जुन अशोक की, तो यह एक बहुत अच्छे एक्ट्रेस है जो बहुत बेहतरीन फिल्मों में अपने अदाकारी से काम किए हैं और मलयालम में उद्योग में काम करने के बजाय और अधिक फिल्मों में काम किए, सहायक अभिनेता के रूप में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। वह मलयालम और अभिनेता हरिश्रुति अशोक के बेटे के साथ हैं, वहीं आर्केस्टू और ओरिक और मांड कुटू के साथ अपनी शुरुआत करते हैं, जहाँ पर वह परवाना के साथ छाप छोड़ जाती है जो पर सोवीना से जाहिर करती है और पहले निर्देशक के फिल्म और बाद में बी टेक और विजय बाबू द्वारा निर्मित स्पीकर हिट जूनियर और टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद अपने पहले फिल्म के लिए अपने आप को एक दृश्य चुराने वाले बताते हैं। जहां पर वरात, उड़ा, सुपर, सरयान और एक अंतर्राष्ट्रीय कहानी जैसी फिल्मों में देखी गई है जो उनके अभिनेता और पिता हरीश द्वारा कहा जाता है। बात करें तो इसमें फिल्मोग्राफी की, तो यह जब तक अन्यार्थी की बात कही तब तक चली। बताया गया कि इसमें बहुत अच्छी अदाकारी से अपनी सबने सुर्खियां बटोरी और अर्जुन अशोक अरवास राजन और ममिता बाजू द्वारा महान सितारे को भी देखा गया। बात करें तो ममता बेजू की, जो भारतीय अभिनेत्री है जो प्रमुख रूप से मलयालम फिल्मों में काम करती है और उन्होंने 2007 और 2017 में सौरपालिन पक्कल के माध्यम से शुरुआत किया, वह अपने औपचारिक जावा 2021 में अफसोला खोखा और 2021 में आजू और सुपर सरनिया द्वारा 2022 सोना की भूमिका में नजर आए। बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन की, ममिता बेजू केरल के कोटियाल जिले के की दुगरी में रहने वाली है। उनके माता पिता डॉक्टर बेजू और मिनिक बेजू के साथ उनका एक बड़ा भाई है जहां पर मिधुन नाम है, जो ममता ने अपने स्कूली शिक्षा मेरिन माउंट बब्लिक स्कूल द्वारा कचीरा और NS हायरिंग सेकेंडरी स्कूल किरदूर के साथ किया, जहां पर मनोवैज्ञानिक
हमें बीवीएस कर रहे थे। बात करें तो इनकी पुरस्कार की तो यह फिल्म काफी बेहतरीन और इनके संदर्भ में काफी अच्छी है। वहीं बताया जाता है कि इसके मलयालम तगलू और परनायक विनाश की कहानी को उजागर करती है। बात करें तो कहानी की तो परनायक विनाश की कहानी एक कॉलेज के छात्र सूरज और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। सूरज हमेशा संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अंत में उन्हें अपने पहले पिता के आग्रह के कारण उसे अन्य विषयों को पढ़ने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय जाना पड़ता है जो एक पसंद करता है, लेकिन और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने से हमेशा दुखी रहता है। अपने पिता की इच्छा के अनुसार और उसके पिता की पीछे बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते हैं, ऐसा देखा गया कि ये साथ ही उनके पिता वेनक और राजीव को अपने पिता में सरकारी कर्मचारियों के रूप में दिखाया गया, जो एकल ग्राम अधिकारी के रूप में कार्य किया गया और उनके एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रण किया गया, जो अक्सर अपनी पत्नी अनुश्री और अपने बच्चे को ज्यादा परवाह के बिना अपनी मर्जी के बिना बात कही। जहाँ पर जीवित नियंत्रित और अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान राजीव मीरा नामक की एक लड़की के साथ रिश्ते में है और उसके टूटने के बाद एक ऐसा व्यक्ति बन के जाता है जो मन की स्थिति में और मीरा के साथ अपने रिश्ते के कारण अपने परिवार के सदस्यों से दूर हो जाता है। और जीवन के शुरुआती में इस बीच रेहाना नामक की एक लड़की साथ आती है, जहाँ पर देखा जाता है कि वह सबसे अच्छी दोस्त और गोपनीयता के साथ आती है। बताया जाता है कि बॉक्स ऑफिस पर मूवी को टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 10 दिनों में 2.5 करोड़ के रुपए की कमाई की। द टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचनात्मक अंजला जॉर्ज ने इसे 3.5 स्टार देते हुए लिखा है कि रोमांस के ताजा कदम द हिंदू के एस प्रवीण कुमार आलोचनात्मक समीक्षाओं के साथ मिश्रा किया, जहाँ पर द न्यूज एक्सप्रेस के साजिश द्वारा श्रीजात कहा गया, जहाँ पर परनया विलास उनमें कई। इसके अलावा भावनात्मक राग मारा द्वारा यह बंद हो जाता है, यहाँ पर मिशन द्वारा पूरा किया गया। बताया गया कि 5 में से 3.5 स्टार जहाँ पर ओटी प्लेट के राजीव सिद्धार्थ द्वारा लिखा गया और कुछ पलों के अलावा जो दिल को छू लेंगे, जहाँ पर प्रणय विलास एक छुपने वाला मामला है जो काफी हिट नहीं करता। वहीं हालांकि समय के आलोचनात्मक 5 में से 3.5 स्टार दिया गया, जहां पर इंडियन एक्सप्रेस के आलोचनात्मक समीक्षाओं द्वारा मिश्रित किया गया। 5 में से 3 स्टार रेटिंग देते हुए अन्ना एमएमएस वेंकैया स्कास्ट फर्स्ट के साथ आलोचनात्मक द्वारा पर नया विलास द्वारा नई जमीन तोड़ना चाहता है, लेकिन यह तो बहुत डरता है। वहीं पूरे हॉन्ग में जाने से असमर्थ होता है, जहां पर हिक हॉक परिणाम स्वरूप गुंगेरे के साथ देखा जाता है। बताया जाता है कि परनिया विलास अनारासवा द्वारा राजन के द्वारा एक बहुत बेहतरीन अदाकारी के साथ नजर आते हैं। बात करें तो यह एक अभिनेत्री है जो प्रमुख रूप से मलयालम फिल्मों में काम करती है और उनके मलयालम लघु उद्योग क्लोब के अभिनय की शुरुआत में उनकी पहली फीचर फिल्म उधार सुजादा 2017 में अनारसवा द्वारा व्यावसायिक रूप से सफलता, मलयालम फिल्म में थनिक मथर्न और दिंगवन द्वारा 2019 के सुपर सरनिया 2022 के माध्यम लोकप्रियता हासिल की। इसके प्रारंभिक जीवन के अनवार्स द्वारा 8 सितंबर 2002 को कन्नर कनीरूल के मूल निवासी राजन और उषा के घर में हुआ। उन्होंने सेट के मेरी गर्ल्स हुई स्कूल पियरिक नामक की प्राप्ति की, जहां पर कैरियोग्राफी के साथ अनारसा द्वारा 2017 में उधार सुजाद के साथ सुजादा कृष्ण की विद्रोही बेटे और अरिथा कृष्ण के रूप में अभिनय की शुरुआत किया, जहां पर अन्य फिल्मों के संक्षिप्त भूमिका निभाने के बाद अनारसवा द्वारा 2019 की कार्तिक मथुन और दिलगन ने अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई, जहां पर अनारास द्वारा 2022 में रिलीज तिरजा और स्टार रानी के साथ कामिल उद्योग में प्रवेश किया। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी अच्छी है। वहीं दूसरी ओर अभिनेता के रूप में अर्जुन अशोक है, जो जिनका जन्म 24 अगस्त 1992 को मलयालम उद्योग में हुआ, जो भारतीय अभिनेता सहायक अभिनेता कर्ता के रूप में भूमिका के नजर में आ चुके हैं। बताया जाता है कि यह काफी बेहतरीन और मलयालम हरीश अशोक के और कुष्ट द्वारा उरुक कोमुक के साथ अपनी शुरुआती करते हैं, जहां पर परवाह के साथ छाप छोड़ती है और जो सोबिना जाहिर की पहली निर्देशक फिल्म है, जो बाद में टैग और विजय बाबू द्वारा निर्मित स्कीपर जून और टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा उन्हें बाद की फिल्म के लिए
अपने आप में दृश्य चुराते हैं, जहां पर वह बताता है कि अपने दृश्यों को चुराने वाले और वरात, उड़ाल, सुपर सरयान और एक अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय कहानी जैसी फिल्मों में देखा गया था, जो उनके अभिनेता पिता हरीश अशोक द्वारा बात कही गई थी। जहां पर काम करते हुए कहा गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है। वहीं बात करें तो प्रज्ञा विलास की, तो जो एक लव एड्रेस लिखी मुरली निर्देशक और ग्रीन रूप मेड्रोस द्वारा बैनर तले नेबोल चावला के साथ निर्मित किया गया, जहां पर एक भारतीय मलयालम में इसे अर्जुन अवराज द्वारा, ममिता देजूज, हलीकूद मनुज द्वारा के व्यूज मुख्य भूमिका के लिए 24 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया। बताया जाता है कि इसकी ढालनात्मक बात कहें तो फिल्म की पहला लुक 31 दिसंबर को जारी किया गया था, जहां पर प्रोड्यूसर द्वारा कंपनी तारीख के साथ बात कहा गया था। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी लाजवाब है, जहां पर प्रज्ञा विलास फिल्म की कहानी एक कॉलेज छात्र सूरज और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, शुरुआती होती है, जहाँ पर सूरज हमेशा गीत के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इच्छा रखता है, लेकिन अंत में अपने पिता के आग्रह के कारण उसे अन्य विषयों को पढ़ने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है, जो उसे पसंद नहीं है और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने से हमेशा दुखी रहता है। अपने पिता की इच्छा के अनुसार और उसके पिता के बीच बहुत अच्छे संबंध नहीं है, ऐसा देखा गया कि साथ ही उनके पिता वेना राजीव को फिल्म में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में दिखाया गया, जो एक ग्राम अधिकारी के कार्यालयों में काम करता है, और उन्हें एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया, जो अक्सर अपने पत्नी अनुश्रुति के और बच्चे की परवाह किए बिना अपनी मर्जी के अपने जीवन को नियंत्रित करता। अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान राजीव को मार डाला, जहां पर देखा गया कि राजीव के द्वारा अपने रिश्ते और इसके टूटने के बाद की बात कही, जहां पर ऐसे व्यक्ति बन गए जाते हैं जो मन की स्थिति में होते हैं, जो पर मीरा के साथ अपने रिश्ते के कारण अपने परिवार सदस्यों से दूर और एक नया जीवन शुरू करता है। इस बीच रेहाना नामक की एक लड़की के साथ पहले रोमांटिक रिश्ते टूटने के बाद सूरज अपने रिश्ते दोस्त के साथ अच्छे करते हैं और गोपनीयता के साथ रिश्ते को बनाए रखते हैं, जहां पर देखा जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी लाजवाब है। वहीं रिश्ते के टूटने के बाद सूरज द्वारा अपने स्टार्टिव द्वार अर्जुन अशोक द्वारा बताया गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और ममिता की एक बात कही, जहां पर देखा गया कि यह फिल्म हर एक मामले में अच्छी है। वहीं वानरसा राजद द्वारा 8 सितंबर 2002 को जिनका जन्म हुआ, जो अभिनेत्री के रूप में काम करती है और बाहरी टिप्पणियों को देखती है। वहीं वाराणसी में 2017 में उत्तराध सुजात के साथ कृष्णा विद्रोही के बेटी उथिल कृष्ण के रूप में अभिनय की शुरुआत की, जहां पर कुछ अन्य फिल्मों में संक्षिप्त भूमिका निभाने के बाद वाराणसी 2019 की फिल्म के साथ अनिरुद्ध मथन दिनवन ने अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई, जहां पर अनराज द्वारा 2022 को रिलीज हुआ, जहां पर तिरसा स्टार और रंगीन के साथ तमिल के उद्योग में प्रवेश किया। बताया जाता है कि इसके रावणाज द्वारा उदार सुजादा के साथ काम किया, जहां पर मलयालम के साथ देखा जाता है। बताया जाता है कि यह फिल्म प्रज्ञा विलास के द्वारा निखिल और मुरलिक द्वारा निर्देशित और ग्रीन रूम प्रोड्यूसर के बैनर के तले चिबिक चावल के राजीक द्वारा निर्मित किया गया, जहां पर भारतीय मलयालम फिल्म के साथ इसे अशोक अरनाज और राजत मुमिताज बेजुक, हकीक सोच मनोज केयूर और मुख्य भूमिका में जय। यह फिल्म 24 फरवरी 2023 को है। बताया जाता है कि इसकी इर्द सूरज हमेशा संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, लेकिन अंत में अपने पिता के आग्रह के कारण उसे अन्य विषयों को पढ़ने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है, जो उसे पसंद नहीं है और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने में हमेशा दुखी रहता है। अपने पिता की इच्छा के अनुसार उसके पिता के बीच एक बहुत अच्छा संबंध नहीं है, ऐसा देखा गया कि साथ ही उनके पिता वेनियाल राजीव के फिल्म में सरकारी कर्मचारी के रूप में दिखाया गया, जो एक ग्राम अधिकारी के कार्यों में काम करता और वह एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया, जो अवसरों की तलाश करता और एक स्वार्थी व्यक्ति के चित्रण के साथ देखा जाता और बच्चे की ज्यादा परवाह किए बिना अपनी मर्जी में अपने जीवन को नियंत्रित करता है, जहां पर अपने विश्वविद्यालय के करियर के साथ दिखाया जाता है। इसके बाद अपने परिवार के सदस्यों को दूर नया जीवन के साथ रहना पड़ता है, जहां पर लड़की के साथ
अपने रोमांटिक रिश्ते को टूटने के बाद सूरज अपने अच्छे दोस्त गोपनीता के साथ जोड़ता है। बताया जाता है कि वह अपने संदर्भ को अच्छे रखते हैं। वहीं बात करें तो फिल्म रोमांचक हो जाती है, जहां पर बहुत अच्छे हैं। कहा जाता है कि इस फिल्म को काफी अच्छे से बनाया गया और पोस्टर लुकिंग के साथ कुछ बेहतरीन ढंग से किया गया, जहाँ पर अर्नोज और मियाँ जॉर्ज की भी लुक देखी गई। मियाँ जॉर्ज की बात करें, जो मच्छी के नाम मियाँ जॉर्ज के अधिक सामान्य मियाँ के नाम से जानी जाती है और वह अपने भारतीय अभिनेत्री के रूप में मलयालम फिल्मों में काम करती है। उन्होंने टेलीविजन शो में सहायक भूमिका निभाई, जहाँ पर अभिनेत्री के रूप में कोरियोग्राफर और ईस्ट ऑफ लव लोग के साथ डॉक्टर लव 2011 में और दिव्या के साथ देखा जाता है। बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन की, तो मियाँ का जन्म डॉबलिंग के मुंबई जॉर्ज जोसेफ मिनिक नामक के जॉर्ज की बेटी में हुआ था, जहां पर एक सिरो मलबार और कैथोलिक परिवार के रूप में हुआ, जहां उनके पिता और इंजीनियर के रूप में काम करने के बाद में 4 साल की उम्र में वह कोटा में पालक चली गई और उनके स्कूली शिक्षा के बाद बताया गया कि वह अपने हायर सेकेंडरी स्कूल भारमंग के साथ उन्होंने अफसोस कॉलेज के साथ पलायक बीएम की डिग्री पूरी की, जहां पर सेठ थॉम्स के साथ कॉलेज के साथ की, जहां पर एक प्लाइग एक बड़ी बहन की ग्रीन में काम की, जिसके शादी लिजोज में काम करते हैं जहां पर बेंगलोर में रहते हैं। वहीं 22 को बताया गया कि यह 2022 को 12 सितंबर को मियाँ के कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण उसे साधारण समारोह में सेठ के बेसरीब ऑफ कुर्दा व्यवसाय की असफलता के साथ फिलिप्स की शादी की गई, जहां पर देखा जाता है कि वह अपने जॉर्ज जोसेफ के 2 महीने के बाद सितंबर 2021 में मृत्यु और उनके टेलीविजन धारावाहिकों के अफसोमाना के साथ कुजालिंक और मारकरा में सहायक भूमिका निभाकर अपने करियर की शुरुआत की। डॉक्टर लव और ईजा आतूत कलात के अभिनय के साथ अपने भूमिका के लिए काफ़ी जाने जाते हैं और यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छी है। बताया जाता है कि परनाय विलास एक बेहतरीन तमिल मलयालम फिल्म है और इसे हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ परनाग विलास फिल्म के बारे में, जिसका प्रकाशन लव एड्रेस द्वारा निखिल मुरली द्वारा निर्देशित किया गया और ग्रीन रूप से प्रोड्यूसर के बैनर के तले सीबी चावल और रजनी नायर के द्वारा निर्मित किया गया। वहीं 2023 की भारतीय मलयालम फिल्म में इसे अर्जुन अशोक आनवास द्वारा राजन ममित बज्जू और हकीम सो मनोज केउक द्वारा मुख्य भूमिका में की गई। यह फिल्म 24 फरवरी 2023 को रिलीज की गई। इसका बात करें तो फिल्म के निर्देशक निखिल मुरली है। वहीं इसका लेखन ज्योति एम सुन एम वी के द्वारा किया गया। वहीं इसकी उत्पादन सीवी चावला और रजनीकांत नायर के द्वारा किया गया। अभिनेता अर्जुन अशोक और अनवर राजभर द्वारा किया जाता है। जहां पर बात करें तो छायाकांत की तो सिनोज है, बात करें तो संपादक की इसमें तो बिनोज नेपोलियन है। वहीं संगीत को शासन रहमान द्वारा दिया गया। वहीं इसकी प्रोड्यूसर कंपनी ग्रीन ग्रुप से प्रोड्यूसर रही है। बताया जाता है कि इसकी रिलीज की तारीख 24 फरवरी 2023 रखी गई है। भारत के मलयालम भाषाओं के साथ फिल्म को रिलीज किया गया। तो बात करें तो इसकी उत्पादन की फिल्म का पहला लुक 31 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था, जहां पर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा रिलीज के तारीख 17 फरवरी 2023 को घोषणा की गई कि इसे स्थगित कर दिया गया और 24 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया। बाद में टीजर और गीत वीडियो जारी किया गया और ट्रेलर किया गया, जहाँ पर प्रणय विलास द्वारा फिल्म की कहानी एक कॉलेज छात्र और सूरज और उसके परिवार के इर्द गिर्द शुरू होती है। इधर सूरज हमेशा संगीत के क्षेत्रों में आगे बढ़ता है और चाहता है कि वह, लेकिन अंत तक में अपने पिता के आग्रह के लिए उसे विषयों को पढ़ने के लिए और उसे दूसरे विश्वविद्यालय को जाना पड़े, जहां पर दोनों को पसंद नहीं होती और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने से हमेशा दुखी रहता है। जहां पर अपने पिता के इच्छा के अनुसार और उसके और पिता के रूप में बहुत अच्छे संबंध होते हैं, ऐसा देखा जाता है कि साथ ही उनके पिता के वेन राजीव को फिल्म में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में दिखाया गया, जो एक ग्राम अधिकारी के कार्य में काम करता है। उन्हें स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चरित्रित किया गया, जो अक्सर अपने पत्नी अनुसूरति के बच्चे की ज्यादा
परवाह किए बिना है, जो बिना अपने मर्जी से अपने जीवन को नियंत्रित करता है। अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान राजीव मीरा द्वारा एक लकड़ी के साथ रिश्ते में आई और उसके टुकड़े के बाद एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसमें मन की स्थिति होता है, और उससे मीना के द्वारा साथ अपने रिश्ते के परिवार के सदस्यों को दूर और नया जीवन शुरू करने के लिए कहता है। इसी बीच रेहाना नामक की एक लड़की आती है और उसके साथ अपने पहले रोमांटिक रिश्ते टूटने के साथ बताती है, जहाँ पर वह कहती है कि सूरज के अपने सबसे अच्छे दोस्त गोपिन के साथ अपना नया रिश्ता शुरू करता है। जहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक बताते हैं कि अंजना जॉर्ज ने इसे 3.5 स्टार देते हुए लिखा कि रोमांस पर एक ताजा कदम है। जहाँ पर द हिंदू के साथ प्रवीण आलोक के समीक्षाओं के मिश्रित किया गया है, वहीं द न्यूज एक्सप्रेस के साजिश और श्री जीत द्वारा भावनात्मक त्राग द्वारा यह बंद हो गया है, जहाँ पर मिशन द्वारा हुआ और निर्देशक द्वारा किया गया। बताया जाता कि 5 में से 3.5 स्टार दिया गया, जहाँ पर OT2 संजीन के सिद्धार्थ द्वारा लिखे गए कुछ पालकों द्वारा अलावों द्वारा जो दिल को छू लेने वाली प्रणय विलासा के बारे में एक घूमने वाला मामला है जो काफी हिट नहीं करता है। बताया जाता है कि हालांकि समय के साथ आलोचनात्मक 5 में से 3.5 स्टार दिए गए, इंडियन एक्सप्रेस के आलोचनात्मक समीक्षा द्वारा मिश्रित दिया गया, जहां पर 5 में से 3 स्टार देते हुए अन्यान MMS व्यक्ति कार्ड फास्ट फूड के आलोचनात्मक द्वारा कहा गया, जहां पर प्रणया विलास द्वारा नई जमानत हुई, जहां पर जमीन तोड़ना शुरू चाहता था लेकिन यह तो बहुत डरता था और पूरे हॉन्ग में जाने में असमर्थ था, जो यहाँ और ना कि कहीं और परिणाम स्वरूप या गुंगेरे हो जाते हैं। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी अच्छी है। बात करें तो इसके अभिनेता अर्जुन अशोक की, तो यह एक बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं जो बहुत बेहतरीन फिल्मों में अपने अदाकारी से काम किए हैं और मलयालम में उद्योग में काम करने के बजाय और अधिक फिल्मों में काम किए, सहायक अभिनेता के रूप में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। वह मलयालम और अभिनेता हरिश्रुति अशोक के बेटे के साथ हैं, वहीं आर्केस्टू और ओरिक और मांड कुटू के साथ अपनी शुरुआत करते हैं, जहां पर वह परवाना के साथ छाप छोड़ जाती है जो पुरसोविना से जाहिर करती है, और पहले निर्देशक के फिल्म और बाद में बी टेक और विजय बाबू द्वारा निर्मित स्पीकर हिट जूनियर और टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद अपने पहले फिल्म के लिए अपने आप को एक दृश्य चुराने वाले बताते हैं, जहां पर वरात, उड़ा, सुपर, सरयान और एक अंतर्राष्ट्रीय कहानी जैसी फिल्मों में देखी गई है, जो उनके अभिनेता और पिता हरीश द्वारा कहा जाता है। बात करें तो इसमें फिल्मोग्राफी की, तो यह जब तक अन्यार्थी की बात कही तब तक चली। बताया गया कि इसमें बहुत अच्छी अदाकारी से अपनी सबने सुर्खियां बटोरी और अर्जुन अशोक आरवास राजन और ममिता बाजू द्वारा महान सितारे को भी देखा गया। बात करें तो ममता बेजू की, जो भारतीय अभिनेत्री जो प्रमुख रूप से मलयालम फिल्मों में काम करती है, और उन्होंने 2007 और 2017 में सौरपालिन पक्कल के माध्यम से शुरुआत किया। वह अपने औपचारिक जावा 2021 में अफसोला खोखा और 2021 में आजू और सुपर सरनिया द्वारा 2022 सोना की भूमिका में नजर आए। बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन की, ममिता बेजू केरल के कोटियाल जिले के किदुगिरी में रहने वाली है। उनके माता पिता डॉक्टर बेजू और मिनिक बेजू के साथ उनका एक बड़ा भाई है, जहां पर मिधुन नाम है, जो ममिता ने अपने स्कूली शिक्षा मेरिन माउंट बब्लीज स्कूल द्वारा कचीरा और NS हायरिंग सेकेंडरी स्कूल किरदूर के साथ किया, जहां पर मनोवैज्ञानिक हमें BVS कर रहे थे। बात करें तो इनकी पुरस्कार की, तो यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन और इनके संदर्भ में काफ़ी अच्छी है। वहीं बताया जाता है कि इसके मलयालम तगलू और प्रणय विनाश की कहानी को उजागर करती है। बात करें तो कहानी की, तो प्रणय विनाश की कहानी एक कॉलेज के छात्र सूरज और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। सूरज हमेशा संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अंत में उन्हें अपने पहले पिता के आग्रह के कारण उसे अन्य विषयों को पढ़ने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय जाना पड़ता है जो एक पसंद करता है,
लेकिन और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने से हमेशा दुखी रहता। अपने पिता की इच्छा के अनुसार और उसके और उसके पिता की पीछे बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते हैं, ऐसा देखा गया कि साथ ही उनके पिता वेनक और राजीव को अपने पिता में सरकारी कर्मचारियों के रूप में दिखाया गया, जो एकल ग्राम अधिकारी के रूप में कार्य किया गया और उनके एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रण किया गया, जो अक्सर अपनी पत्नी अनुश्री और अपने बच्चे को ज्यादा परवाह के बिना अपनी मर्जी के बिना बात कही। जहाँ पर जीवित नियंत्रित और अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान राजीव मीरा नामक की एक लड़की के साथ रिश्ते में है और उसके टूटने के बाद एक ऐसा व्यक्ति बन के जाता है जो मन की स्थिति में और मीरा के साथ अपने रिश्ते के कारण अपने परिवार के सदस्यों से दूर हो जाता है और जीवन के शुरुआती में इस बीच रेहाना नामक की एक लड़की साथ आती है, जहाँ पर देखा जाता है कि वह सबसे अच्छी दोस्त और गोपनीयता के साथ आती है। बताया जाता है कि बॉक्स ऑफिस पर मूवी को टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 10 दिनों में 2.5 करोड़ के रुपए की कमाई की। द टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचनात्मक अंजला जॉर्ज ने इसे 3.5 स्टार देते हुए लिखा कि रोमांस के ताजा कदम द हिंदू के एस प्रवीण कुमार आलोचनात्मक समीक्षाओं के साथ मिश्रा किया, जहां पर द न्यूज एक्सप्रेस के साजिश द्वारा श्री जात कहा गया, जहां पर प्रणया विलास उनमें कही। इसके अलावा भावनात्मक राग मारा द्वारा यह बंद हो जाता है, यहां पर मिशन द्वारा पूरा किया गया। बताया गया कि 5 में से 3.5 स्टार जहां पर ओटी प्लेट के राजीव सिद्धार्थ द्वारा लिखा गया और कुछ पलों के अलावा जो दिल को छू लेंगे, जहां पर प्रणय विलास एक छुपने वाला मामला है जो काफी हिट नहीं करता। वहीं हालांकि समय के आलोचनात्मक 5 में से 3.5 स्टार दिया गया, जहां पर इंडियन एक्सप्रेस के आलोचनात्मक समीक्षाओं द्वारा मिश्रित किया गया 5 में से 3 स्टार रेटिंग देते हुए अन्ना MMS वेंकिया स्कास्ट फर्स्ट के साथ आलोचनात्मक द्वारा पर नया विलास द्वारा नई जमीन तोड़ना चाहता है लेकिन यह तो बहुत डरता है। वहीं पूरे हॉन्ग में जाने से असमर्थ होता है, जहां पर हिक हॉक परिणाम स्वरूप गुंगेरे के साथ देखा जाता है। बताया जाता है कि प्रणया विलास अनारसवा द्वारा राजन के द्वारा एक बहुत बेहतरीन अदाकारी के साथ नजर आते हैं। बात करें तो यह एक अभिनेत्री है जो प्रमुख रूप से मलयालम फिल्मों में काम करती है और उनके मलयालम लघु उद्योग क्लोब के अभिनय की शुरुआत में उनकी पहली फीचर फिल्म उधार सुजादा 2017 में अनारसवा द्वारा व्यावसायिक रूप से सफलता, मलयालम फिल्म में थनिक मथर्न और दिंगवन द्वारा 2019 के सुपर सरनिया 2022 के माध्यम लोकप्रियता हासिल की। इसके प्रारंभिक जीवन के अनवार्स द्वारा 8 सितंबर 2002 को कनीरूल के मूल निवासी राजन और उषा के घर में हुआ। उन्होंने सेठ के मेरी गर्ल्स हुई स्कूल पियरिक नामक की प्राप्ति की, जहां पर कैरियोग्राफी के साथ अनारसा द्वारा 2017 में उधार सुजाद के साथ सुजादा कृष्ण की विद्रोही बेटे और अनिता कृष्ण के रूप में अभिनय की शुरुआत किया, जहां पर अन्य फिल्मों के संक्षिप्त भूमिका निभाने के बाद अनारसवा द्वारा 2019 की कार्तिक मथुन और दिलगन ने अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई, जहां पर अनारास द्वारा 2022 में रिलीज तिरजा और स्टार रांगी के साथ कामिल उद्योग में प्रवेश किया। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी अच्छी है। वहीं दूसरी ओर अभिनेता के रूप में अर्जुन अशोक है जो जिनका जन्म 24 अगस्त 1992 को मलयालम उद्योग में हुआ, जो भारतीय अभिनेता सहायक अभिनेता कर्ता के रूप में भूमिका के नजर में आ चुके हैं। बताया जाता है कि यह काफी बेहतरीन और मलयालम हरीश अशोक के और कुष्ठ द्वारा उरु कोमुक के साथ अपनी शुरुआती करते हैं, जहां पर परवाह के साथ छाप छोड़ती है और जो सोबिना जाहिर की पहली निर्देशक फिल्म है, जो बाद में टैग और विजय बाबू द्वारा निर्मित स्कीपर जून और टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा उन्हें बाद की फिल्म के लिए अपने आप में दृश्य चुराते हैं, जहां पर वह बताता है कि अपने दृश्यों को चुराने वाले और वरात, उड़ाल, सुपर सरयान और एक अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय कहानी जैसी फिल्मों में देखा गया था, जो उनके अभिनेता पिता हरीश अशोक द्वारा बात कही गई थी, जहां पर काम करते हुए कहा गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है। वहीं बात करें तो प्रणया विलास की, तो जो एक लव एड्रेस लिखिल मुरली निर्देशक और ग्रीन रूप मेड्रोस द्वारा बैनर तले नेबोल चावला के साथ निर्मित किया गया, जहां पर एक भारतीय मलयालम में इसे अर्जुन अवराज द्वारा, ममिता देजूज हलिकूद मनुज द्वारा के व्यूज मुख्य भूमिका के लिए
24 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया। बताया जाता है कि इसकी ढालनात्मक बात कहे तो फिल्म की पहला लुक 31 दिसंबर को जारी किया गया था, जहां पर प्रोड्यूसर द्वारा कंपनी तारीख के साथ बात कहा गया था। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी लाजवाब है, जहां पर पर्णिया विलास फिल्म की कहानी एक कॉलेज छात्र सूरज और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। शुरुआती होती है जहाँ पर सूरज हमेशा गीत के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इच्छा रखता है, लेकिन अंत में अपने पिता के आग्रह के कारण उसे अन्य विषयों को पढ़ने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है, जो उसे पसंद नहीं है, और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने से हमेशा दुखी रहता है। अपने पिता की इच्छा के अनुसार और उसके पिता के बीच बहुत अच्छे संबंध नहीं है, ऐसा देखा गया कि साथ ही उनके पिता वेना राजीव को फिल्म में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में दिखाया गया, जो एक ग्राम अधिकारी के कार्यालयों में काम करता है, और उन्हें एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया, जो अक्सर अपने पत्नी अनुश्रुति के और बच्चे की परवाह किए बिना अपनी मर्जी के अपने जीवन को नियंत्रित करता। अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान राजीव को मार डाला, जहां पर देखा गया कि राजीव के द्वारा अपने रिश्ते और इसके टूटने के बाद की बात कही, जहां पर ऐसे व्यक्ति बन गए जाते हैं जो मन की स्थिति में होते हैं, जो पर मीरा के साथ अपने रिश्ते के कारण अपने परिवार सदस्यों से दूर और एक नया जीवन शुरू करता है। इस बीच रेहाना नामक की एक लड़की के साथ पहले रोमांटिक रिश्ते टूटने के बाद सूरज अपने रिश्ते दोस्त के साथ अच्छे करते हैं और गोपनीयता के साथ रिश्ते को बनाए रखते हैं, जहां पर देखा जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी लाजवाब है। वहीं रिश्ते के टूटने के बाद सूरज द्वारा अपने स्टार्टिव द अर्जुन अशोक द्वारा बताया गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और ममिताज की एक बात कही, जहां पर देखा गया कि यह फिल्म हर एक मामले में अच्छी है। वहीं वानरसा राजद द्वारा 8 सितंबर 2002 को जिनका जन्म हुआ, जो अभिनेत्री के रूप में काम करती है और बाहरी टिप्पणियों को देखती है। वहीं वाराणसी में 2017 में उत्तराध सुजात के साथ कृष्णा विद्रोही के बेटी उथिल कृष्ण के रूप में अभिनय की शुरुआत की, जहां पर कुछ अन्य फिल्मों में संक्षिप्त भूमिका निभाने के बाद वाराणसी 2019 की फिल्म के साथ अनिरुद्ध मथन दिनुवन ने अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई, जहां पर अनराज द्वारा 2022 को रिलीज हुआ, जहां पर तिरसा स्टार और रंगीन के साथ तमिल के उद्योग में प्रवेश किया। बताया जाता है कि इसके रावणराज द्वारा उदार सुजादा के साथ काम किया, जहां पर मलयालम के साथ देखा जाता है। बताया जाता है कि यह फिल्म पर्णिया विलास के द्वारा निखिल और मुरलिक द्वारा निर्देशित और ग्रीन रूम प्रोड्यूसर के बैनर के तले चिबिक चावल के राजीक द्वारा निर्मित किया गया, जहां पर भारतीय मलयालम फिल्म के साथ इसे अशोक अरनाज और राजत मुमिताज बेजुक हकीक सोज मनोज केयूर और मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 24 फरवरी 2023 को है। बताया जाता है कि इसकी इर्द सूरज हमेशा संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, लेकिन अंत में अपने पिता के आग्रह के कारण उसे अन्य विषयों को पढ़ने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है, जो उसे पसंद नहीं है, और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने में हमेशा दुखी रहता है। अपने पिता की इच्छा के अनुसार उसके पिता के बीच एक बहुत अच्छा संबंध नहीं है, ऐसा देखा गया कि साथ ही उनके पिता वेनियाल राजीव के फिल्म में सरकारी कर्मचारी के रूप में दिखाया गया, जो एक ग्राम अधिकारी के कार्यों में काम करता और वह एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया, जो अवसरों की तलाश करता और एक स्वार्थी व्यक्ति के चित्र के साथ देखा जाता और बच्चे की ज्यादा परवाह किए बिना अपनी मर्जी में अपने जीवन को नियंत्रित करता है, जहां पर अपने विश्वविद्यालय के करियर के साथ दिखाया जाता है। इसके बाद अपने परिवार के सदस्यों को दूर नया जीवन के साथ रहना पड़ता है, जहां पर लड़की के साथ अपने रोमांटिक रिश्ते को टूटने के बाद सूरज अपने अच्छे दोस्त गोपनीयता के साथ जोड़ता है। बताया जाता है कि वह अपने संदर्भ को अच्छे रखते हैं। वहीं बात करें तो फिल्म रोमांचक हो जाती है, जहां पर बहुत अच्छे हैं। कहा जाता है कि इस फिल्म को काफी अच्छे से बनाया गया और पोस्टर लुकिंग के साथ कुछ बेहतरीन ढंग से किया गया, जहाँ पर अर्नोज और मियाँ जॉर्ज की भी लुक देखी गई। मियाँ जॉर्ज की बात करें, जो मच्छी के नाम मियाँ जॉर्ज के अधिक सामान्य मियाँ के नाम से जानी जाती है और वह अपने भारतीय अभिनेत्री के रूप में मलयालम फिल्मों में काम करती है। उन्होंने टेलीविजन शो में सहायक भूमिका निभाई, जहाँ पर अभिनेत्री के रूप में कोरियोग्राफर और ईस्ट ऑफ लव लोग के साथ डॉक्टर लव 2011 में और दिर्दिया के साथ देखा जाता है।
बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन की, तो मियाँ का जन्म डॉबलिंग के मुंबई जॉर्ज जोसेफ मिनिक नामक के जॉर्ज की बेटी में हुआ था, जहाँ पर एक सिरो मलबार और कैथोलिक परिवार के रूप में हुआ, जहाँ उनके पिता और इंजीनियर के रूप में काम करने के बाद में 4 साल की उम्र में वह कोटा में पालक चली गई और उनके स्कूली शिक्षा के बाद बताया गया कि वह अपने हायर सेकेंडरी स्कूल भारमंग के साथ उन्होंने अफसोस कॉलेज के साथ पलायक बीएम की डिग्री पूरी की, जहां पर सेठ थॉम्स के साथ कॉलेज के साथ की, जहां पर एक प्लाइग एक बड़ी बहन की ग्रीन में काम की जिसके शादी लिजोज में काम करते हैं जहाँ पर बेंगलोर में रहते हैं। वहीं 22 को बताया गया कि यह 2022 को 12 सितंबर को मियाँ के कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण उसे साधारण समारोह में सेठ के बेजरीब ऑफ कुर्दा व्यवसाय की असफलता के साथ फिलिप्स की शादी की गई, जहां पर देखा जाता है कि वह अपने जॉर्ज जोसेफ के 2 महीने के बाद सितंबर 2021 में मृत्यु और उनके टेलीविजन धारावाहिकों के अफसोमाना के साथ कुजालिंक और मारकरा में सहायक भूमिका निभाकर अपने करियर की शुरुआत की। डॉक्टर लव और ईजा आतूत कलात के अभिनय के साथ अपने भूमिका के लिए काफ़ी जाने जाते हैं और यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छी है। बताया जाता है कि परनाय विलास एक बेहतरीन तमिल मलयालम फिल्म है और इसे हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ परनाग विलास फिल्म के बारे में, जिसका प्रकाशन लव एड्रेस द्वारा निखिल मुरली द्वारा निर्देशित किया गया और ग्रीन रूप से प्रोड्यूसर के बैनर के तले सीबी चावल और रजनी नायर के द्वारा निर्मित किया गया। वहीं 2023 की भारतीय मलयालम फिल्म में इसे अर्जुन अशोक आनवास द्वारा राजन ममित बज्जू और हकीम सो मनोज केउक द्वारा मुख्य भूमिका में की गई। यह फिल्म 24 फरवरी 2023 को रिलीज की गई। इसका बात करें तो फिल्म के निर्देशक निखिल मुरली है, वहीं इसका लेखन ज्योति एम सुन एम वी के द्वारा किया गया, वहीं इसकी उत्पादन सीवी चावला और रजनीकांत नायर के द्वारा किया गया, अभिनेता अर्जुन अशोक और अनवर राजभर द्वारा किया जाता है। जहाँ पर बात करें तो छायाकांत की तो सिनोज है, बात करें तो संपादक की इसमें तो विनोज नेपोलियन है, वहीं संगीत को शासन रहमान द्वारा दिया गया, वहीं इसकी प्रोड्यूसर कंपनी ग्रीन ग्रुप से प्रोड्यूसर रही है। बताया जाता है कि इसकी रिलीज की तारीख 24 फरवरी 2023 रखी गई है। भारत के मलयालम भाषाओं के साथ फिल्म को रिलीज किया गया। तो बात करें तो इसकी उत्पादन की फिल्म का पहला लुक 31 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था, जहां पर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा रिलीज के तारीख 17 फरवरी 2023 को घोषणा की गई कि इसे स्थगित कर दिया गया और 24 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया। बाद में टीजर और गीत वीडियो जारी किया गया और ट्रेलर किया गया, जहाँ पर प्रणय विलास द्वारा फिल्म की कहानी एक कॉलेज छात्र और सूरज और उसके परिवार के इर्द गिर्द शुरू होती है। इधर सूरज हमेशा संगीत के क्षेत्रों में आगे बढ़ता है और चाहता है कि वह, लेकिन अंत तक में अपने पिता के आग्रह के लिए उसे विषयों को पढ़ने के लिए और उसे दूसरे विश्वविद्यालय को जाना पड़े, जहां पर दोनों को पसंद नहीं होती और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने से हमेशा दुखी रहता है। जहां पर अपने पिता के इच्छा के अनुसार और उसके और पिता के रूप में बहुत अच्छे संबंध होते हैं, ऐसा देखा जाता है कि साथ ही उनके पिता के वेन राजीव को फिल्म में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में दिखाया गया जो एक ग्राम अधिकारी के कार्य में काम करता है। उन्हें स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चरित्रित किया गया जो अक्सर अपने पत्नी अनुश्रुति के बच्चे की ज्यादा परवाह किए बिना है, जो बिना अपने मर्जी से अपने जीवन को नियंत्रित करता है। अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान राजीव मीरा द्वारा एक लकड़ी के साथ रिश्ते में आई और उसके टुकड़े के बाद एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसमें मन की स्थिति होता है और उससे मीना के द्वारा साथ अपने रिश्ते के परिवार के सदस्यों को दूर और नया जीवन शुरू करने के लिए कहता है। इसी बीच रेहाना नामक की एक लड़की आती है और उसके साथ अपने पहले रोमांटिक रिश्ते टूटने के साथ बताती है, जहां पर वह कहती है कि सूरज के अपने सबसे अच्छे दोस्त गोपिन के साथ अपना नया रिश्ता शुरू करता है। जहां पर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक बताते हैं कि अंजना जॉर्ज ने इसे 3.5 स्टार देते हुए लिखा कि रोमांस पर एक ताजा कदम है। जहां पर द हिंदू के साथ प्रवीण आलोक के समीक्षाओं के मिश्रित किया गया है। वहीं द न्यूज एक्सप्रेस के साजिश और श्री जीत द्वारा भावनात्मक त्राग द्वारा यह बंद हो गया है, जहां पर मिशन द्वारा हुआ और निर्देशक द्वारा किया गया। बताया जाता कि 5 में से 3.5 स्टार दिया गया, जहां पर OT2 संजीन के सिद्धार्थ द्वारा लिखे गए।
कुछ पालकों द्वारा, अलावों द्वारा जो दिल को छू लेने वाली प्रणय विलासा के बारे में एक घूमने वाला मामला है जो काफी हिट नहीं करता है। बताया जाता है कि हालांकि समय के साथ आलोचनात्मक 5 में से 3.5 स्टार दिए गए, इंडियन एक्सप्रेस के आलोचनात्मक समीक्षा द्वारा मिश्रित दिया गया, जहां पर 5 में से 3 स्टार देते हुए अन्यान एमएमएस वेंकटी कार्ड फास्ट फूड के आलोचनात्मक द्वारा कहा गया, जहां पर प्रणया विलास द्वारा नई जमानत हुई, जहां पर जमीन तोड़ना शुरू चाहता था लेकिन यह तो बहुत डरता था और पूरे हॉन्ग में जाने में असमर्थ था, जो यहां और ना कि कहीं और परिणाम स्वरूप या गुंगेरे हो जाते हैं। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी अच्छी है। बात करें तो इसके अभिनेता अर्जुन अशोक की, तो यह एक बहुत अच्छे एक्ट्रेस है जो बहुत बेहतरीन फिल्मों में अपने अदाकारी से काम किए हैं और मलयालम में उद्योग में काम करने के बजाय और अधिक फिल्मों में काम किए, सहायक अभिनेता के रूप में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। वह मलयालम और अभिनेता हरिश्रुति अशोक के बेटे के साथ हैं। वहीं आर्केस्टू और ओरिक और मांड कुटू के साथ अपनी शुरुआत करते हैं, जहां पर वह परवाना के साथ छाप छोड़ जाती है जो सोविना से जाहिर करती है, और पहले निर्देशक के फिल्म और बाद में बी टेक और विजय बाबू द्वारा निर्मित स्पीकर हिट जूनियर और टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद अपने पहले फिल्म के लिए अपने आप को एक दृश्य चुराने वाले बताते हैं, जहां पर वरात, उड़ा, सुपर, सरयान और एक अंतर्राष्ट्रीय कहानी जैसी फिल्मों में देखी गई है, जो उनके अभिनेता और पिता हरीश द्वारा कहा जाता है। बात करें तो इसमें फिल्मोग्राफी की, तो यह जब तक अन्यार्थी की बात कही तब तक चली। बताया गया कि इसमें बहुत अच्छी अदाकारी से अपनी सबने सुर्खियां बटोरी और अर्जुन, अशोक, आरवास, राजन और ममिता बाजू द्वारा महान सितारे को भी देखा गया। बात करें तो ममता बेजू की, जो भारतीय अभिनेत्री है जो प्रमुख रूप से मलयालम फिल्मों में काम करती है और उन्होंने 2007 और 2017 में सौरपालिन पक्काल के माध्यम से शुरुआत किया, वह अपने औपचारिक जावा 2021 में अफसोला खोखा और 2021 में आजुक और सुपर सरनिया द्वारा 2022 सोना की भूमिका में नजर आए। बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन की, ममिता बेजू केरल के कोटियाल जिले के की दुगरी में रहने वाली है। उनके माता पिता डॉक्टर बेजू और मिनिक बेजू के साथ उनका एक बड़ा भाई है, जहां पर मिधुन नाम है, जो ममता ने अपने स्कूली शिक्षा मेरिन माउंट बब्लिक स्कूल द्वारा कचीरा और एनएस हायरिंग सेकेंडरी स्कूल किरदूर के साथ किया, जहां पर मनोवैज्ञानिक हमें बीबीएस कर रहे थे। बात करें तो इनकी पुरस्कार की, तो यह फिल्म काफी बेहतरीन और इनके संदर्भ में काफी अच्छी है। वहीं बताया जाता है कि इसके मलयालम तगलू और प्रणय विलास की कहानी को उजागर करती है। बात करें तो कहानी की, तो प्रणय विलास की कहानी एक कॉलेज के छात्र सूरज और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। सूरज हमेशा संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है लेकिन अंत में उन्हें अपने पहले पिता के आग्रह के कारण उसे अन्य विषयों को पढ़ने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय जाना पड़ता है जो एक पसंद करता है, लेकिन और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने से हमेशा दुखी रहता है। अपने पिता की इच्छा के अनुसार और उसके और उसके पिता की पीछे बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते हैं ऐसा देखा गया कि साथ ही उनके पिता वेनक और राजीव को अपने पिता में सरकारी कर्मचारियों के रूप में दिखाया गया, जो एकल ग्राम अधिकारी के रूप में कार्य किया गया और उनके एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रण किया गया, जो अक्सर अपनी पत्नी अनुश्री और अपने बच्चे को ज्यादा परवाह के बिना अपनी मर्जी के बिना बात कही। जहाँ पर जीवित नियंत्रित और अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान राजीव मीरा नामक की एक लड़की के साथ रिश्ते में है और उसके टूटने के बाद एक ऐसा व्यक्ति बन के जाता है जो मन की स्थिति में और मीरा के साथ अपने रिश्ते के कारण अपने परिवार के सदस्यों से दूर हो जाता है और जीवन के शुरुआती में इस बीच रेहाना नामक की एक लड़की साथ आती है, जहाँ पर देखा जाता है कि वह सबसे अच्छी दोस्त और गोपनीयता के साथ आती है। बताया जाता है कि बॉक्स ऑफिस पर मूवी को टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 10 दिनों में 2.5 करोड़ के रुपए की कमाई की। द टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचनात्मक अंजला जॉर्ज ने इसे 3.5 स्टार देते हुए लिखा है कि रोमांस के ताजा कदम द हिंदू के एस प्रवीण कुमार आलोचनात्मक समीक्षाओं के साथ मिश्रा किया, जहाँ पर द न्यूज एक्सप्रेस के साजिश द्वारा श्रीजात कहा गया, जहाँ पर प्रणया विलास उनमें
कई। इसके अलावा भावनात्मक राग मारा द्वारा यह बंद हो जाता है, यहाँ पर मिशन द्वारा पूरा किया गया। बताया गया कि 5 में से 3.5 स्टार जहाँ पर ओटी प्लेट के राजीव सिद्धार्थ द्वारा लिखा गया, और कुछ पलों के अलावा जो दिल को छू लेंगे, जहाँ पर प्रणय विलास एक छुपने वाला मामला है जो काफी हिट नहीं करता। वहीं हालांकि समय के आलोचनात्मक 5 में से 3.5 स्टार दिया गया, जहां पर इंडियन एक्सप्रेस के आलोचनात्मक समीक्षाओं द्वारा मिश्रित किया गया 5 में से 3 स्टार रेटिंग देते हुए अन्ना MMS वेंकिया स्कास्ट फर्स्ट के साथ आलोचनात्मक द्वारा पर नया विलास द्वारा नई जमीन तोड़ना चाहता है, लेकिन यह तो बहुत डरता है। वहीं पूरे हॉन्ग में जाने से असमर्थ होता है, जहां पर हिक हॉक परिणाम स्वरूप गुंगेरे के साथ देखा जाता है। बताया जाता है कि परनिया विलास अनारासवा द्वारा राजन के द्वारा एक बहुत बेहतरीन अदाकारी के साथ नजर आते हैं। बात करें तो यह एक अभिनेत्री है जो प्रमुख रूप से मलयालम फिल्मों में काम करती है, और उनके मलयालम लघु उद्योग क्लोब के अभिनय की शुरुआत में उनकी पहली फीचर फिल्म उधार सुजादा 2017 में अनारसवा द्वारा व्यावसायिक रूप से सफलता, मलयालम फिल्म में थनिक मथर्न और दिंगवन द्वारा 2019 के सुपर सरनिया 2022 के माध्यम लोकप्रियता हासिल की। इसके प्रारंभिक जीवन के अनवार्स द्वारा 8 सितंबर 2002 को कन्नर कनीरूल के मूल निवासी राजन और उषा के घर में हुआ। उन्होंने सेठ के मेरी गर्ल्स हुई स्कूल पियरिक नामक की प्राप्ति की, जहां पर कैरियोग्राफी के साथ अनारसा द्वारा 2017 में उधार सुजाद के साथ सुजादा कृष्ण की विद्रोही बेटे और अरिथा कृष्ण के रूप में अभिनय की शुरुआत किया, जहां पर अन्य फिल्मों के संक्षिप्त भूमिका निभाने के बाद अनारसवा द्वारा 2019 की कार्तिक मथुन और दिलगन ने अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई, जहां पर अनारास द्वारा 2022 में रिलीज तिरजा और स्टार रानी के साथ तमिल उद्योग में प्रवेश किया। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी अच्छी है। वहीं दूसरी ओर अभिनेता के रूप में अर्जुन अशोक है, जो जिनका जन्म 24 अगस्त 1992 को मलयालम उद्योग में हुआ, जो भारतीय अभिनेता सहायक अभिनेता कर्ता के रूप में भूमिका के नजर में आ चुके हैं। बताया जाता है कि यह काफी बेहतरीन और मलयालम हरीश अशोक के और कुष्ठ द्वारा उरुक कोमुक के साथ अपनी शुरुआती करते हैं, जहां पर प्रवाह के साथ छाप छोड़ती है, और जो सोबिना जाहिर की पहली निर्देशक फिल्म है, जो बाद में टैग और विजय बाबू द्वारा निर्मित स्कीपर जून और टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा उन्हें बाद की फिल्म के लिए अपने आप में दृश्य चुराते हैं, जहां पर वह बताता है कि अपने दृश्यों को चुराने वाले और वरात, उड़ाल, सुपर सरयान और एक अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय कहानी जैसी फिल्मों में देखा गया था, जो उनके अभिनेता पिता हरीश अशोक द्वारा बात कही गई थी, जहां पर काम करते हुए कहा गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है। वहीं बात करें तो परनिया विलास की, तो जो एक लव एड्रेस लिखी मुरली निर्देशक और ग्रीन रूप मेड्रोस द्वारा बैनर तले नेबोल चावला के साथ निर्मित किया गया, जहां पर एक भारतीय मलयालम में इसे अर्जुन अवराज द्वारा, ममिता देजूज हलीकूद मनुज द्वारा के व्यूज मुख्य भूमिका के लिए 24 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया। बताया जाता है कि इसकी ढालनात्मक बात कहें तो फिल्म की पहला लुक 31 दिसंबर को जारी किया गया था, जहां पर प्रोड्यूसर द्वारा कंपनी तारीख के साथ बात कहा गया था। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी लाजवाब है, जहां पर परनिया विलास फिल्म की कहानी एक कॉलेज छात्र सूरज और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, शुरुआती होती है, जहाँ पर सूरज हमेशा गीत के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इच्छा रखता है, लेकिन अंत में अपने पिता के आग्रह के कारण उसे अन्य विषयों को पढ़ने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है, जो उसे पसंद नहीं है, और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने से हमेशा दुखी रहता है। अपने पिता की इच्छा के अनुसार और उसके पिता के बीच बहुत अच्छे संबंध नहीं है, ऐसा देखा गया कि साथ ही उनके पिता वेना राजीव को फिल्म में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में दिखाया गया, जो एक ग्राम अधिकारी के कार्यालयों में काम करता है, और उन्हें एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया, जो अक्सर अपने पत्नी अनुश्रुति के और बच्चे की परवाह किए बिना अपनी मर्जी के अपने जीवन को नियंत्रित करता। अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान राजीव को मार डाला, जहां पर देखा गया कि राजीव के द्वारा अपने रिश्ते और इसके टूटने के बाद
की बात कही, जहां पर ऐसे व्यक्ति बन गए जाते हैं जो मन की स्थिति में होते हैं, जो पर मीरा के साथ अपने रिश्ते के कारण अपने परिवार सदस्यों से दूर और एक नया जीवन शुरू करता है। इस बीच रेहाना नामक की एक लड़की के साथ पहले रोमांटिक रिश्ते टूटने के बाद सूरज अपने रिश्ते दोस्त के साथ अच्छे करते हैं और गोपनीयता के साथ रिश्ते को बनाए रखते हैं। जहां पर देखा जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी लाजवाब है, वहीं रिश्ते के टूटने के बाद सूरज द्वारा अपने स्टार्टिप द अर्जुन अशोक द्वारा बताया गया कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन और ममिताज की एक बात कही, जहां पर देखा गया कि यह फिल्म हर एक मामले में अच्छी है। वहीं वानरसा राजद द्वारा 8 सितंबर 2002 को जिनका जन्म हुआ, जो अभिनेत्री के रूप में काम करती है और बाहरी टिप्पणियों को देखती है। वहीं वाराणसी में 2017 में उत्तराध सुजात के साथ कृष्णा विद्रोही के बेटी उथिल कृष्ण के रूप में अभिनय की शुरुआत की, जहां पर कुछ अन्य फिल्मों में संक्षिप्त भूमिका निभाने के बाद वाराणसी 2019 की फिल्म के साथ अनिरुद्ध मथन दिनवन ने अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई, जहां पर अनराज द्वारा 2022 को रिलीज हुआ, जहां पर तिरसा स्टार और रंगीन के साथ तमिल के उद्योग में प्रवेश किया। बताया जाता है कि इसके रावणाज द्वारा उदार सुजादा के साथ काम किया, जहां पर मलयालम के साथ देखा जाता है। बताया जाता है कि यह फिल्म परनिया विलास के द्वारा निखिल और मुरलिक द्वारा निर्देशित और ग्रीन रूम प्रोड्यूसर के बैनर के तले चिबिक चावल के राजीक द्वारा निर्मित किया गया, जहां पर भारतीय मलयालम फिल्म के साथ इसे अशोक अरनाज और राजत मुमिताज बेजुक हकीक सोज मनोज केयूर और मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 24 फरवरी 2023 को है। बताया जाता है कि इसकी इर्द सूरज हमेशा संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, लेकिन अंत में अपने पिता के आग्रह के कारण उसे अन्य विषयों को पढ़ने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है, जो उसे पसंद नहीं है, और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने में हमेशा दुखी रहता है। अपने पिता की इच्छा के अनुसार उसके पिता के बीच एक बहुत अच्छा संबंध नहीं है, ऐसा देखा गया कि साथ ही उनके पिता वेनियाल राजीव के फिल्म में सरकारी कर्मचारी के रूप में दिखाया गया, जो एक ग्राम अधिकारी के कार्यों में काम करता और होगा एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया, जो अवसरों की तलाश करता और एक स्वार्थी व्यक्ति के चित्र के साथ देखा जाता और बच्चे की ज्यादा परवाह किए बिना अपनी मर्जी में अपने जीवन को नियंत्रित करता है, जहां पर अपने विश्वविद्यालय के करियर के साथ दिखाया जाता है। इसके बाद अपने परिवार के सदस्यों को दूर नया जीवन के साथ रहना पड़ता है, जहां पर लड़की के साथ अपने रोमांटिक रिश्ते को टूटने के बाद सूरज अपने अच्छे दोस्त गोपनीयता के साथ जोड़ता है। बताया जाता है कि वह अपने संदर्भ को अच्छे रखते हैं। वहीं बात करें तो फिल्म रोमांचक हो जाती है, जहां पर बहुत अच्छे हैं। कहा जाता है कि इस फिल्म को काफी अच्छे से बनाया गया और पोस्टर लुकिंग के साथ कुछ बेहतरीन ढंग से किया गया, जहां पर अर्नोज और मिया जॉर्ज की भी लुक देखी गई। मिया जॉर्ज की बात करें, जो मच्छी के नाम मिया जॉर्ज के अधिक सामान्य मिया के नाम से जानी जाती है और वह अपने भारतीय अभिनेत्री के रूप में मलयालम फिल्मों में काम करती है। उन्होंने टेलीविजन शो में सहायक भूमिका निभाई, जहां पर अभिनेत्री के रूप में कोरियोग्राफर और ईस्ट ऑफ लव लोग के साथ डॉक्टर लव 2011 में और दिर्दिया के साथ देखा जाता है। बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन की, तो मिया का जन्म डॉबलिंग के मुंबई जॉर्ज जोसेफ मिनिक नामक के जॉर्ज की बेटी में हुआ था, जहां पर एक सिरो मलबार और कैथोलिक परिवार के रूप में हुआ, जहां उनके पिता और इंजीनियर के रूप में काम करने के बाद में 4 साल की उम्र में वह कोटा में पालक चली गई और उनके स्कूली शिक्षा के बाद बताया गया कि वह अपने हायर सेकेंडरी स्कूल भारमंग के साथ उन्होंने अफसोस कॉलेज के साथ पलायक बीएम की डिग्री पूरी की, जहां पर सेठ थॉम्स के साथ कॉलेज के साथ की, जहां पर एक प्लाइग एक बड़ी बहन की ग्रीन में काम की, जिसके शादी लिजोज में काम करते हैं, जहां पर बेंगलोर में रहते हैं। वहीं 22 को बताया गया कि यह 2022 को 12 सितंबर को मियां के कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण उसे साधारण समारोह में सेठ के बेजरीब ऑफ कुर्दास व्यवसाय की असफलता के साथ फिलिप्स की शादी की गई, जहां पर देखा जाता है कि वह अपने जॉर्ज जोसेफ के 2 महीने के बाद सितंबर 2021 में मृत्यु और उनके टेलीविजन धारावाहिकों के अफसोमाना के साथ कुजालिंक और मार्करा में सहायक भूमिका निभाकर अपने करियर की शुरुआत की। डॉक्टर लव और ईजा आतूत कलात के अभिनय के साथ अपने भूमिका के लिए काफी जाने जाते हैं और यह फिल्म काफी बेहतरीन है और काफी अच्छी है। बताया जाता है कि परनाय विलास एक बेहतरीन तमिल मलयालम फिल्म है और इसे हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ परनाग विलास
फिल्म के बारे में जिसका प्रकाशन लव एड्रेस द्वारा निखिल मुरली द्वारा निर्देशित किया गया और ग्रीन रूप से प्रोड्यूसर के बैनर के तले सीबी चावल और रजनी नायर के द्वारा निर्मित किया गया। वहीं 2023 की भारतीय मलयालम फिल्म में इसे अर्जुन अशोक आनवास द्वारा राजन ममित बज्जू और हकीम सो मनोज के उप द्वारा मुख्य भूमिका में की गई। यह फिल्म 24 फरवरी 2023 को रिलीज की गई। इसका बात करें तो फिल्म के निर्देशक निखिल मुरली है। वहीं इसका लेखन ज्योति एम सुन एम वी के द्वारा किया गया। वहीं इसकी उत्पादन सीवी चावला और रजनीकांत नायर के द्वारा किया गया। अभिनेता अर्जुन अशोक और अनवर राजभर द्वारा किया जाता है। जहां पर बात करें तो छायाकांत की तो सिनोज है, बात करें तो संपादक की इसमें तो विनोज नेपोलियन है। वहीं संगीत को शासन रहमान द्वारा दिया गया। वहीं इसकी प्रोड्यूसर कंपनी हर ग्रीन ग्रुप से प्रोड्यूसर रही है। बताया जाता है कि इसकी रिलीज की तारीख 24 फरवरी 2023 रखी गई। यह भारत के मलयालम भाषाओं के साथ फिल्म को रिलीज किया गया। तो बात करें तो इसकी उत्पादन की फिल्म का पहला लुक 31 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था, जहां पर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा रिलीज के तारीख 17 फरवरी 2023 को घोषणा की गई कि इसे स्थगित कर दिया गया और 24 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया। बाद में टीजर और गीत वीडियो जारी किया गया और ट्रेलर किया गया, जहाँ पर प्रणय विलास द्वारा फिल्म की कहानी एक कॉलेज छात्र और सूरज और उसके परिवार के इर्द गिर्द शुरू होती है। इधर सूरज हमेशा संगीत के क्षेत्रों में आगे बढ़ता है और चाहता है कि वह, लेकिन अंत तक में अपने पिता के आग्रह के लिए उसे विषयों को पढ़ने के लिए और उसे दूसरे विश्वविद्यालय को जाना पड़े, जहां पर दोनों को पसंद नहीं होती और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने से हमेशा दुखी रहता है। जहां पर अपने पिता के इच्छा के अनुसार और उसके और पिता के रूप में बहुत अच्छे संबंध होते हैं, ऐसा देखा जाता है कि साथ ही उनके पिता के वेन राजीव को फिल्म में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में दिखाया गया जो एक ग्राम अधिकारी के कार्य में काम करता है। उन्हें स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चरित्रित किया गया जो अक्सर अपने पत्नी अनुसूति के बच्चे की ज्यादा परवाह किए बिना है, जो बिना अपने मर्जी से अपने जीवन को नियंत्रित करता है। अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान राजीव मीरा द्वारा एक लकड़ी के साथ रिश्ते में आई और उसके टुकड़े के बाद एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसमें मन की स्थिति होता है और उससे मीना के द्वारा साथ अपने रिश्ते के परिवार के सदस्यों को दूर और नया जीवन शुरू करने के लिए कहता है। इसी बीच रेहाना नामक की एक लड़की आती है और उसके साथ अपने पहले रोमांटिक रिश्ते टूटने के साथ बताती है, जहां पर वह कहती है कि सूरज के अपने सबसे अच्छे दोस्त गोपिन के साथ अपना नया रिश्ता शुरू करता है। जहां पर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक बताते हैं कि अंजना जॉर्ज ने इसे 3.5 स्टार देते हुए लिखा कि रोमांस पर एक ताजा कदम है। जहां पर द हिंदू के साथ प्रवीण आलोक के समीक्षाओं के मिश्रित किया गया है। वहीं द न्यूज एक्सप्रेस के साजिश और श्री जीत द्वारा भावनात्मक त्राग द्वारा यह बंद हो गया है, जहां पर मिशन द्वारा हुआ और निर्देशक द्वारा किया गया। बताया जाता कि 5 में से 3.5 स्टार दिया गया, जहां पर OT2 संजीन के सिद्धार्थ द्वारा लिखे गए कुछ पालकों द्वारा अलावों द्वारा जो दिल को छू लेने वाली प्रणय विलासा के बारे में एक घूमने वाला मामला है जो काफी हिट नहीं करता है। बताया जाता है कि हालांकि समय के साथ आलोचनात्मक 5 में से 3.5 स्टार दिए गए, इंडियन एक्सप्रेस के आलोचनात्मक समीक्षा द्वारा मिश्रित दिया गया, जहां पर 5 में से 3 स्टार देते हुए अन्यान MMS व्यक्ति कार्ड फास्ट फूड के आलोचनात्मक द्वारा कहा गया, जहां पर प्रणया विलास द्वारा नई जमानत हुई, जहां पर जमीन तोड़ना शुरू चाहता था लेकिन यह तो बहुत डरता था और पूरे हॉन्ग में जाने में असमर्थ था, जो यहां और ना कि कहीं और परिणाम स्वरूप या गुंगेरे हो जाते हैं। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी अच्छी है। बात करें तो इसके अभिनेता अर्जुन अशोक की तो यह एक बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं जो बहुत बेहतरीन फिल्मों में अपने अदाकारी से काम किए हैं और मलयालम में उद्योग में काम करने के बजाय और अधिक फिल्मों में काम किए, सहायक अभिनेता के रूप में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। वह मलयालम और अभिनेता हरिश्रुति अशोक के बेटे के साथ हैं। वहीं आर्केस्टू और ओरिक और मांड कुटू के साथ अपनी शुरुआत करते हैं, जहां पर वह परवाना के साथ छाप छोड़ जाती है जो पुरसोविना से जाहिर करती है और पहले निर्देशक के फिल्म और बाद में बी
टेक और विजय बाबू द्वारा निर्मित स्पीकर हिट जूनियर और टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद अपने पहले फिल्म के लिए अपने आप को एक दृश्य चुराने वाले बताते हैं, जहां पर वरात, उड़ा, सुपर, सरयान और एक अंतर्राष्ट्रीय कहानी जैसी फिल्मों में देखी गई है, जो उनके अभिनेता और पिता हरीश द्वारा कहा जाता है। बात करें तो इसमें फिल्मोग्राफी की, तो यह जब तक अन्यार्थी की बात कही तब तक चली। बताया गया कि इसमें बहुत अच्छी अदाकारी से अपनी सबने सुर्खियां बटोरी और अर्जुन, अशोक आरवास, राजन और ममिता बाजू द्वारा महान सितारे को भी देखा गया। बात करें तो ममता बेजू की, जो भारतीय अभिनेत्री है, जो प्रमुख रूप से मलयालम फिल्मों में काम करती है और उन्होंने 2007 और 2017 में सौरपालिन पक्कल के माध्यम से शुरुआत किया, वह अपने औपचारिक जावा 2021 में अफसोला खोखा और 2021 में आजू और सुपर सरनिया द्वारा 2022 सोना की भूमिका में नजर आए। बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन की, ममिता बेजू केरल के कोटियाल जिले के किदुगिरी में रहने वाली है। उनके माता पिता डॉक्टर बेजू और मिनिक बेजू के साथ उनका एक बड़ा भाई है, जहां पर मिधुन नाम है, जो ममता ने अपने स्कूली शिक्षा मेरिन माउंट बब्लीज स्कूल द्वारा कचीरा और एनएस हायरिंग सेकेंडरी स्कूल किरदू के साथ किया, जहां पर मनोवैज्ञानिक हमें बीबीएस कर रहे थे। बात करें तो इनकी पुरस्कार की, तो यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन और इनके संदर्भ में काफ़ी अच्छी है। वहीं बताया जाता है कि इसके मलयालम तगलु और परनाय विलास की कहानी को उजागर करती है। बात करें तो कहानी की, तो परनाय विलास की कहानी एक कॉलेज के छात्र सूरज और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। सूरज हमेशा संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अंत में उन्हें अपने पहले पिता के आग्रह के कारण उसे अन्य विषयों को पढ़ने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय जाना पड़ता है, जो एक पसंद करता है, लेकिन और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने से हमेशा दुखी रहता है। अपने पिता की इच्छा के अनुसार और उसके और उसके पिता की पीछे बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते हैं, ऐसा देखा गया कि साथ ही उनके पिता वेनक और राजीव को अपने पिता में सरकारी कर्मचारियों के रूप में दिखाया गया, जो एकल ग्राम अधिकारी के रूप में कार्य किया गया और उनके एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रण किया गया, जो अक्सर अपनी पत्नी अनुश्री और अपने बच्चे को ज्यादा परवाह के बिना अपनी मर्जी के बिना बात कही। जहाँ पर जीवित नियंत्रित और अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान राजीव मीरा नामक की एक लड़की के साथ रिश्ते में है और उसके टूटने के बाद एक ऐसा व्यक्ति बन के जाता है जो मन की स्थिति में और मीरा के साथ अपने रिश्ते के कारण अपने परिवार के सदस्यों से दूर हो जाता है। और जीवन के शुरुआती में इस बीच रेहाना नामक की एक लड़की साथ आती है, जहाँ पर देखा जाता है कि वह सबसे अच्छी दोस्त और गोपनीयता के साथ आती है। बताया जाता है कि बॉक्स ऑफिस पर मूवी को टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 10 दिनों में 2.5 करोड़ के रुपए की कमाई की। द टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचनात्मक अंजला जॉर्ज ने इसे 3.5 स्टार देते हुए लिखा कि रोमांस के ताजा कदम द हिंदू के एस प्रवीण कुमार आलोचनात्मक समीक्षाओं के साथ मिश्रा किया, जहां पर द न्यूज एक्सप्रेस के साजिश द्वारा श्री जात कहा गया, जहां पर परनाय विलास उनमें कही। इसके अलावा भावनात्मक राग मारा द्वारा यह बंद हो जाता है, जहां पर मिशन द्वारा पूरा किया गया। बताया गया कि 5 में से 3.5 स्टार जहां पर ओटी प्लेट के राजीव सिद्धार्थ द्वारा लिखा गया और कुछ पलों के अलावा जो दिल को छू लेंगे, जहां पर प्रणय विलास एक छुपने वाला मामला है जो काफी हिट नहीं करता। वहीं हालांकि समय के आलोचनात्मक 5 में से 3.5 स्टार दिया गया, जहां पर इंडियन एक्सप्रेस के आलोचनात्मक समीक्षाओं द्वारा मिश्रित किया गया 5 में से 3 स्टार रेटिंग देते हुए अन्ना एमएमएस वेंकिया कास्ट फर्स्ट के साथ आलोचनात्मक द्वारा परनाय विलास द्वारा नई जमीन तोड़ना चाहता है, लेकिन यह तो बहुत डरता है। वहीं पूरे हॉन्ग में जाने से असमर्थ होता है, जहां पर हिक हॉक परिणाम स्वरूप गुंगेरे के साथ देखा जाता है। बताया जाता है कि परनाय विलास अनारसवा द्वारा राजन के द्वारा एक बहुत बेहतरीन अदाकारी के साथ नजर आते हैं। बात करें तो यह एक अभिनेत्री है जो प्रमुख रूप से मलयालम फिल्मों में काम करती है और उनके मलयालम लघु उद्योग क्लोब के अभिनय की शुरुआत में उनकी पहली फीचर फिल्म उधार सुजादा 2017 में अनारसवा द्वारा व्यावसायिक रूप से सफलता मलयालम फिल्म में
थनिक मथर्न और दिंगवन द्वारा 2019 के सुपर सरनिया 2022 के मध्यम लोकप्रियता हासिल की। इसके प्रारंभिक जीवन के अनवार्स द्वारा 8 सितंबर 2002 को कनीरूल के मूल निवासी राजन और उषा के घर में हुआ। उन्होंने सेट के मेरी गोल्सुई स्कूल पियरिक नामक की प्राप्ति की, जहां पर कैरियोग्राफी के साथ अनारसा द्वारा 2017 में उधार सुजाद के साथ सुजादा कृष्ण की विद्रोही बेटे और अरिथा कृष्ण के रूप में अभिनय की शुरुआत किया, जहां पर अन्य फिल्मों के संक्षिप्त भूमिका निभाने के बाद अनारसवा द्वारा 2019 की कार्तिक मथुन और दिलगन ने अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई, जहां पर अनारास द्वारा 2022 में रिलीज तिरजा और स्टार रांगी के साथ कामिल उद्योग में प्रवेश किया। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी अच्छी है। वहीं दूसरी ओर अभिनेता के रूप में अर्जुन अशोक है, जो जिनका जन्म 24 अगस्त 1992 को मलयालम उद्योग में हुआ, जो भारतीय अभिनेता सहायक अभिनेता कर्ता के रूप में भूमिका के नजर में आ चुके हैं। बताया जाता है कि यह काफी बेहतरीन और मलयालम हरीश अशोक के और कुष्ट द्वारा ओरु कोमु के साथ अपनी शुरुआती करते हैं, जहां पर प्रवाह के साथ छाप छोड़ती है और जो सोविना जाहिर की पहली निर्देशक फिल्म है, जो बाद में टैग और विजय बाबू द्वारा निर्मित स्कीपर जून और टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा उन्हें बाद की फिल्म के लिए अपने आप में दृश्य चुराते हैं, जहां पर वह बताता है कि अपने दृश्यों को चुराने वाले और वरात, उड़ाल, सुपर सरयान और एक अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय कहानी जैसी फिल्मों में देखा गया था, जो उनके अभिनेता पिता हरीश अशोक द्वारा बात कही गई थी, जहां पर काम करते हुए कहा गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है। वहीं बात करें तो प्रज्ञा विलास की, तो जो एक लव एड्रेस लिखिल मुरली निर्देशक और ग्रीन रूप मेड्रोस द्वारा बैनर तले नेबोल चावला के साथ निर्मित किया गया, जहां पर एक भारतीय मलयालम में इसे अर्जुन अवराज द्वारा, ममिता देजूज हलिकूद मनुज द्वारा के व्यूज मुख्य भूमिका के लिए 24 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया। बताया जाता है कि इसकी ढालनात्मक बात कहें तो फिल्म की पहला लुक 31 दिसंबर को जारी किया गया था, जहां पर प्रोड्यूसर द्वारा कंपनी तारीख के साथ बात कहा गया था। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी लाजवाब है, जहां पर प्रज्ञा विलास फिल्म की कहानी एक कॉलेज छात्र सूरज और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, शुरुआती होती है, जहाँ पर सूरज हमेशा गीत के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इच्छा रखता है, लेकिन अंत में अपने पिता के आग्रह के कारण उसे अन्य विषयों को पढ़ने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है, जो उसे पसंद नहीं है और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने से हमेशा दुखी रहता है। अपने पिता की इच्छा के अनुसार और उसके पिता के बीच बहुत अच्छे संबंध नहीं है, ऐसा देखा गया कि साथ ही उनके पिता वेना राजीव को फिल्म में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में दिखाया गया, जो एक ग्राम अधिकारी के कार्यालयों में काम करता है और उन्हें एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया, जो अक्सर अपने पत्नी अनुश्रुति के और बच्चे की परवाह किए बिना अपनी मर्जी के अपने जीवन को नियंत्रित करता। अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान राजीव को मार डाला, जहां पर देखा गया कि राजीव के द्वारा अपने रिश्ते और इसके टूटने के बाद की बात कही, जहां पर ऐसे व्यक्ति बन गए जाते हैं जो मन की स्थिति में होते हैं, जो पर मीरा के साथ अपने रिश्ते के कारण अपने परिवार सदस्यों से दूर और एक नया जीवन शुरू करता है। इस बीच रेहाना नामक की एक लड़की के साथ पहले रोमांटिक रिश्ते टूटने के बाद सूरज अपने रिश्ते दोस्त के साथ अच्छे करते हैं और गोपनीयता के साथ रिश्ते को बनाए रखते हैं, जहां पर देखा जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी लाजवाब है। वहीं रिश्ते के टूटने के बाद सूरज द्वारा अपने स्टार्टिव द अर्जुन अशोक द्वारा बताया गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और ममिता की एक बात कही, जहां पर देखा गया कि यह फिल्म हर एक मामले में अच्छी है। वहीं वानरसा राजद द्वारा 8 सितंबर 2002 को जिनका जन्म हुआ, जो अभिनेत्री के रूप में काम करती है और बाहरी टिप्पणियों को देखती है। वहीं वाराणसी में 2017 में उत्तराध सुजात के साथ कृष्णा विद्रोही के बेटे उथिल कृष्ण के रूप में अभिनय की शुरुआत की, जहां पर कुछ अन्य फिल्मों में संक्षिप्त भूमिका निभाने के बाद वाराणसी 2019 की फिल्म के साथ अनिरुद्ध मथन दिनवन ने अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई, जहां पर अनराज द्वारा 2022 को रिलीज हुआ, जहां पर तिरसा स्टार और रंगीन के साथ तमिल के उद्योग में प्रवेश किया। बताया जाता है कि इसके रावणाज द्वारा उधार सुजादा के साथ काम किया, जहां पर मलयालम के साथ देखा जाता है। बताया जाता है कि यह फिल्म प्रज्ञा विलास के द्वारा निखिल और मुरलिक
द्वारा निर्देशित और ग्रीन रूम प्रोड्यूसर के बैनर के तले चिबिक चावल के राजीक द्वारा निर्मित किया गया, जहां पर भारतीय मलयालम फिल्म के साथ इसे अशोक अरनाज और राजत मुमिताज बेजुक हकीक सोज मनोज केयूर और मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 24 फरवरी 2023 को है। बताया जाता है कि इसकी इर्द सूरज हमेशा संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, लेकिन अंत में अपने पिता के आग्रह के कारण उसे अन्य विषयों को पढ़ने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है, जो उसे पसंद नहीं है, और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने में हमेशा दुखी रहता है। अपने पिता की इच्छा के अनुसार उसके पिता के बीच एक बहुत अच्छा संबंध नहीं है, ऐसा देखा गया कि साथ ही उनके पिता वेनियाल राजीव के फिल्म में सरकारी कर्मचारी के रूप में दिखाया गया, जो एक ग्राम अधिकारी के कार्यों में काम करता और वह एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया, जो अवसरों की तलाश करता और एक स्वार्थी व्यक्ति के चित्रण के साथ देखा जाता और बच्चे की ज्यादा परवाह किए बिना अपनी मर्जी में अपने जीवन को नियंत्रित करता है, जहां पर अपने विश्वविद्यालय के करियर के साथ दिखाया जाता है। इसके बाद अपने परिवार के सदस्यों को दूर नया जीवन के साथ रहना पड़ता है, जहां पर लड़की के साथ अपने रोमांटिक रिश्ते को टूटने के बाद सूरज अपने अच्छे दोस्त गोपनीयता के साथ जोड़ता है। बताया जाता है कि वह अपने संदर्भ को अच्छे रखते हैं। वहीं बात करें तो फिल्म रोमांचक हो जाती है, जहां पर बहुत अच्छे हैं। कहा जाता है कि इस फिल्म को काफी अच्छे से बनाया गया और पोस्टर लुकिंग के साथ कुछ बेहतरीन ढंग से किया गया, जहाँ पर अरनूज और मियाँ जॉर्ज की भी लुक देखी गई। मियाँ जॉर्ज की बात करें, जो मच्छी के नाम मियाँ जॉर्ज के अधिक सामान्य मियाँ के नाम से जानी जाती है और वह अपने भारतीय अभिनेत्री के रूप में मलयालम फिल्मों में काम करती है। उन्होंने टेलीविजन शो में सहायक भूमिका निभाई, जहाँ पर अभिनेत्री के रूप में कोरियोग्राफर और ईस्ट ऑफ लव लोग के साथ डॉक्टर लव 2011 में और दिव्या के साथ देखा जाता है। बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन की, तो मियाँ का जन्म डॉबलिंग के मुंबई जॉर्ज जोसेफ मिनिक नामक के जॉर्ज की बेटी में हुआ था, जहां पर एक सिरो मलबार और कैथोलिक परिवार के रूप में हुआ, जहां उनके पिता और इंजीनियर के रूप में काम करने के बाद में 4 साल की उम्र में वह कोटा में पालक चली गई और उनके स्कूली शिक्षा के बाद बताया गया कि वह अपने हायर सेकेंडरी स्कूल भारमंग के साथ उन्होंने अफसोस कॉलेज के साथ पलायक बीएम की डिग्री पूरी की, जहां पर सेठ थॉम्स के साथ कॉलेज के साथ की, जहां पर एक प्लाइग एक बड़ी बहन की ग्रीन में काम की, जिसके शादी लिजोज में काम करते हैं, जहां पर बेंगलोर में रहते हैं। वहीं 22 को बताया गया कि 2022 को 12 सितंबर को मियाँ के कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण उसे साधारण समारोह में सेठ के बेजरीब ऑफ कुर्दास व्यवसायिक की असफलता के साथ फिलिप्स की शादी की गई, जहां पर देखा जाता है कि वह अपने जॉर्ज जोसेफ के 2 महीने के बाद सितंबर 2021 में मृत्यु और उनके टेलीविजन धारावाहिकों के अफसोमाना के साथ कुजालिंक और मारकरा में सहायक भूमिका निभाकर अपने करियर की शुरुआत की। डॉक्टर लव और ईजा आतूत कलात के अभिनय के साथ अपने भूमिका के लिए काफी जाने जाते हैं और यह फिल्म काफी बेहतरीन है और काफी अच्छी है। बताया जाता है कि परनाय विलास एक बेहतरीन तमिल मलयालम फिल्म है और इसे हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ परनाग विलास फिल्म के बारे में, जिसका प्रकाशन लव एड्रेस द्वारा निखिल मुरली द्वारा निर्देशित किया गया और ग्रीन रूप से प्रोड्यूसर के बैनर के तले सीबी चावल और रजनी नायर के द्वारा निर्मित किया गया। वहीं 2023 की भारतीय मलयालम फिल्म में इसे अर्जुन अशोक आनवास द्वारा राजन ममित बज्जू और हकीम सो मनोज केयूर द्वारा मुख्य भूमिका में की गई। यह फिल्म 24 फरवरी 2023 को रिलीज की गई। इसका बात करें तो फिल्म के निर्देशक निखिल मुरली है। वहीं इसका लेखन ज्योति एम सुन एम वी के द्वारा किया गया। वहीं इसकी उत्पादन सीवी चावला और रजनीकांत नायर के द्वारा किया गया। अभिनेता अर्जुन अशोक और अनवर राजभर द्वारा किया जाता है। जहां पर बात करें तो छायाकान की तो सिनोज है, बात करें तो संपादक की इसमें तो बिनोज नेपोलियन है। वहीं संगीत को शासन रहमान द्वारा दिया गया। वहीं इसकी प्रोड्यूसर कंपनी ग्रीन ग्रुप से प्रोड्यूसर रही है। बताया जाता है कि इसकी रिलीज की तारीख 24 फरवरी 2023 रखी गई है। भारत के मलयालम भाषाओं के साथ फिल्म को रिलीज किया गया। तो बात करें तो इसकी उत्पादन की फिल्म का पहला लुक 31 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था, जहां पर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा रिलीज के तारीख 17 फरवरी 2023 को घोषणा की गई कि इसे स्थगित कर दिया गया और 24 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया। बाद में टीजर और गीत वीडियो जारी किया गया और ट्रेलर किया गया, जहां पर प्रणय
विलास द्वारा फिल्म की कहानी एक कॉलेज छात्र और सूरज और उसके परिवार के इर्द गिर्द शुरू होती है। इधर सूरज हमेशा संगीत के क्षेत्रों में आगे बढ़ता है और चाहता है कि वह, लेकिन अंत तक में अपने पिता के आग्रह के लिए उसे विषयों को पढ़ने के लिए और उसे दूसरे विश्वविद्यालय को जाना पड़े जहाँ पर दोनों को पसंद नहीं होती और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने से हमेशा दुखी रहता है। जहाँ पर अपने पिता के इच्छा के अनुसार और उसके और पिता के रूप में बहुत अच्छे संबंध होते हैं, ऐसा देखा जाता है कि साथ ही उनके पिता के वेन राजीव को फिल्म में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में दिखाया गया जो एक ग्राम अधिकारी के कार्य में काम करता है। उन्हें स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चरित्रित किया गया जो अक्सर अपने पत्नी अनुश्रुति के बच्चे की ज्यादा परवाह किए बिना है, जो बिना अपने मर्जी से अपने जीवन को नियंत्रित करता है। अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान राजीव मीरा द्वारा एक लकड़ी के साथ रिश्ते में आई और उसके टुकड़े के बाद एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसमें मन की स्थिति होता है और उससे मीना के द्वारा साथ अपने रिश्ते के परिवार के सदस्यों को दूर और नया जीवन शुरू करने के लिए कहता है। इसी बीच रेहाना नामक की एक लड़की आती है और उसके साथ अपने पहले रोमांटिक रिश्ते टूटने के साथ बताती है, जहाँ पर वह कहती है कि सूरज के अपने सबसे अच्छे दोस्त गोपिन के साथ अपना नया रिश्ता शुरू करता है। जहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक बताते हैं कि अंजना जॉर्ज ने इसे 3.5 स्टार देते हुए लिखा कि रोमांस पर एक ताजा कदम है। जहाँ पर द हिंदू के साथ प्रवीण आलोक के समीक्षाओं के मिश्रित किया गया है, वहीं द न्यूज एक्सप्रेस के साजिश और श्री जीत द्वारा भावनात्मक त्राग द्वारा यह बंद हो गया है, जहाँ पर मिशन द्वारा हुआ और निर्देशक द्वारा किया गया। बताया जाता कि 5 में से 3.5 स्टार दिया गया, जहाँ पर OT2 संजीन के सिद्धार्थ द्वारा लिखे गए कुछ पालकों द्वारा अलावों द्वारा जो दिल को छू लेने वाली प्रणय विलासा के बारे में एक घूमने वाला मामला है जो काफी हिट नहीं करता है। बताया जाता है कि हालांकि समय के साथ आलोचनात्मक 5 में से 3.5 स्टार दिए गए, इंडियन एक्सप्रेस के आलोचनात्मक समीक्षा द्वारा मिश्रित दिया गया, जहां पर 5 में से 3 स्टार देते हुए अन्यान MMS व्यक्ति कार्ड फास्ट फूड के आलोचनात्मक द्वारा कहा गया। जहां पर प्रणया विलास द्वारा नई जमानत हुई, जहां पर जमीन तोड़ना शुरू चाहता था लेकिन यह तो बहुत डरता था और पूरे हॉन्ग में जाने में असमर्थ था, जो यहाँ और ना कि कहीं और परिणाम स्वरूप या गुंगेरे हो जाते हैं। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी अच्छी है। बात करें तो इसके अभिनेता अर्जुन अशोक की, तो यह एक बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं जो बहुत बेहतरीन फिल्मों में अपने अदाकारी से काम किए हैं और मलयालम में उद्योग में काम करने के बजाय और अधिक फिल्मों में काम किए सहायक अभिनेता के रूप में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। वह मलयालम और अभिनेता हरिश्रुति अशोक के बेटे के साथ हैं, वहीं आर्केस्टू और ओरिक और मांड कुटू के साथ अपनी शुरुआत करते हैं, जहां पर वह परवाना के साथ छाप छोड़ जाती है जो पुरसोविना से जाहिर करती है और पहले निर्देशक के फिल्म और बाद में बी टेक और विजय बाबू द्वारा निर्मित स्पीकर हिट जूनियर और टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद अपने पहले फिल्म के लिए अपने आप को एक दृश्य चुराने वाले बताते हैं, जहां पर वरात उड़ा सुपर सरयान और एक अंतर्राष्ट्रीय कहानी जैसी फिल्मों में देखी गई है जो उनके अभिनेता और पिता हरीश द्वारा कहा जाता है। बात करें तो इसमें फिल्मोग्राफी की, तो यह जब तक अन्यार्थी की बात कही तब तक चली। बताया गया कि इसमें बहुत अच्छी अदाकारी से अपनी सबने सुर्खियां बटोरी और अर्जुन अशोक आरवास राजन और ममिता बाजू द्वारा महान सितारे को भी देखा गया। बात करें तो ममता बेजू की, जो भारतीय अभिनेत्री है जो प्रमुख रूप से मलयालम फिल्मों में काम करती है और उन्होंने 2007 और 2017 में सौरपालिन पक्काल के माध्यम से शुरुआत किया, वह अपने औपचारिक जावा 2021 में अफसोला खोखा और 2021 में आजू और सुपर सरनिया द्वारा 2022 सोना की भूमिका में नजर आए। बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन की, ममिता बेजू केरल के कोटियाल जिले के किदुगिरी में रहने वाली है। उनके माता पिता डॉक्टर बेजू और मिनिक बेजू के साथ उनका एक बड़ा भाई है जहां पर मिधुन नाम है, जो ममिता ने अपने स्कूली शिक्षा मेरिन माउंट बब्लीज स्कूल द्वारा कचीरा और NS हायरिंग सेकेंडरी स्कूल किरदूर के साथ किया, जहां पर मनोवैज्ञानिक
हमें बीवीएस कर रहे थे। बात करें तो इनकी पुरस्कार की तो यह फिल्म काफी बेहतरीन और इनके संदर्भ में काफी अच्छी है। वहीं बताया जाता है कि इसके मलयालम तगलू और परनायक विनाश की कहानी को उजागर करती है। बात करें तो कहानी की तो परनायक विनाश की कहानी एक कॉलेज के छात्र सूरज और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। सूरज हमेशा संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अंत में उन्हें अपने पहले पिता के आग्रह के कारण उसे अन्य विषयों को पढ़ने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय जाना पड़ता है जो एक पसंद करता है, लेकिन और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने से हमेशा दुखी रहता है। अपने पिता की इच्छा के अनुसार और उसके पिता की पीछे बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते हैं, ऐसा देखा गया कि साथ ही उनके पिता वेनक और राजीव को अपने पिता में सरकारी कर्मचारियों के रूप में दिखाया गया, जो एकल ग्राम अधिकारी के रूप में कार्य किया गया और उनके एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रण किया गया, जो अक्सर अपनी पत्नी अनुश्री और अपने बच्चे को ज्यादा परवाह के बिना अपनी मर्जी के बिना बात कही। जहाँ पर जीवित नियंत्रित और अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान राजीव मीरा नामक की एक लड़की के साथ रिश्ते में है और उसके टूटने के बाद एक ऐसा व्यक्ति बन के जाता है जो मन की स्थिति में और मीरा के साथ अपने रिश्ते के कारण अपने परिवार के सदस्यों से दूर हो जाता है और जीवन के शुरुआती में इस बीच रेहाना नामक की एक लड़की साथ आती है, जहाँ पर देखा जाता है कि वह सबसे अच्छी दोस्त और गोपनीयता के साथ आती है। बताया जाता है कि बॉक्स ऑफिस पर मूवी को टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 10 दिनों में 2.5 करोड़ के रुपए की कमाई की। द टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचनात्मक अंजला जॉर्ज ने इसे 3.5 स्टार देते हुए लिखा है कि रोमांस के ताजा कदम द हिंदू के एस प्रवीण कुमार आलोचनात्मक समीक्षाओं के साथ मिश्रा किया, जहाँ पर द न्यूज एक्सप्रेस के साजिश द्वारा श्री जात कहा गया, जहाँ पर प्रणया विलास उनमें कही। इसके अलावा भावनात्मक राग मारा द्वारा यह बंद हो जाता है, यहाँ पर मिशन द्वारा पूरा किया गया। बताया गया कि 5 में से 3.5 स्टार जहाँ पर ओटी प्लेट के राजीव सिद्धार्थ द्वारा लिखा गया और कुछ पलों के अलावा जो दिल को छू लेंगे, जहाँ पर प्रणय विलास एक छुपने वाला मामला है जो काफी हिट नहीं करता। वहीं हालांकि समय के आलोचनात्मक 5 में से 3.5 स्टार दिया गया, जहां पर इंडियन एक्सप्रेस के आलोचनात्मक समीक्षाओं द्वारा मिश्रित किया गया 5 में से 3 स्टार रेटिंग देते हुए अन्ना एमएमएस वेंकैया स्कास्ट फर्स्ट के साथ आलोचनात्मक द्वारा पर नया विलास द्वारा नई जमीन तोड़ना चाहता है, लेकिन यह तो बहुत डरता है। वहीं पूरे हॉन्ग में जाने से असमर्थ होता है, जहां पर हिक हॉक परिणाम स्वरूप गुंगेरे के साथ देखा जाता है। बताया जाता है कि परनिया विलास अनारसवा द्वारा राजन के द्वारा एक बहुत बेहतरीन अदाकारी के साथ नजर आते हैं। बात करें तो यह एक अभिनेत्री है जो प्रमुख रूप से मलयालम फिल्मों में काम करती है और उनके मलयालम लघु उद्योग क्लोब के अभिनय की शुरुआत में उनकी पहली फीचर फिल्म उधार सुजादा 2017 में अनारसवा द्वारा व्यावसायिक रूप से सफलता, मलयालम फिल्म में थनिक मथर्न और दिंगवन द्वारा 2019 के सुपर सरनिया 2022 के माध्यम लोकप्रियता हासिल की। इसके प्रारंभिक जीवन के अनवार्स द्वारा 8 सितंबर 2002 को कनीरूल के मूल निवासी राजन और उषा के घर में हुआ। उन्होंने सेठ के मेरी गर्ल्स हुई स्कूल पियरिक नामक की प्राप्ति की, जहां पर कैरियोग्राफी के साथ अनारसा द्वारा 2017 में उधार सुजाद के साथ सुजादा कृष्ण की विद्रोही बेटे और अनिता कृष्ण के रूप में अभिनय की शुरुआत किया, जहां पर अन्य फिल्मों के संक्षिप्त भूमिका निभाने के बाद अनारसवा द्वारा 2019 की कार्तिक मथुन और दिलगन ने अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई, जहां पर अनारास द्वारा 2022 में रिलीज तिरजा और स्टार रानी के साथ तमिल उद्योग में प्रवेश किया। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी अच्छी है। वहीं दूसरी ओर अभिनेता के रूप में अर्जुन अशोक है, जो जिनका जन्म 24 अगस्त 1992 को मलयालम उद्योग में हुआ, जो भारतीय अभिनेता सहायक अभिनेता कर्ता के रूप में भूमिका के नजर में आ चुके हैं। बताया जाता है कि यह काफी बेहतरीन और मलयालम हरीश अशोक के और कुष्ट द्वारा उरुक कोमुक के साथ अपनी शुरुआती करते हैं, जहां पर परवाह के साथ छाप छोड़ती है और जो सोबिना जाहिर की पहली निर्देशक फिल्म है, जो बाद में टेक और विजय बाबू द्वारा निर्मित स्कीपर जून और टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा उन्हें बाद की फिल्म के लिए
अपने आप में दृश्य चुराते हैं, जहां पर वह बताता है कि अपने दृश्यों को चुराने वाले और वरात, उड़ाल, सुपर सरयान और एक अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय कहानी जैसी फिल्मों में देखा गया था, जो उनके अभिनेता पिता हरीश अशोक द्वारा बात कही गई थी, जहां पर काम करते हुए कहा गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है। वहीं बात करें तो प्रज्ञा विलास की, तो जो एक लव एड्रेस लिखी मुरली निर्देशक और ग्रीन रूप मेड्रोस द्वारा बैनर तले नेबोल चावला के साथ निर्मित किया गया, जहां पर एक भारतीय मलयालम में इसे अर्जुन अवराज द्वारा, ममिता देजूज, हलीकूद मनोज द्वारा के व्यूज मुख्य भूमिका के लिए 24 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया। बताया जाता है कि इसकी ढालनात्मक बात कहे तो फिल्म की पहला लुक 31 दिसंबर को जारी किया गया था, जहां पर प्रोड्यूसर द्वारा कंपनी तारीख के साथ बात कहा गया था। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी लाजवाब है, जहां पर प्रज्ञा विलास फिल्म की कहानी एक कॉलेज छात्र सूरज और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, शुरुआती होती है, जहाँ पर सूरज हमेशा गीत के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इच्छा रखता है, लेकिन अंत में अपने पिता के आग्रह के कारण उसे अन्य विषयों को पढ़ने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है, जो उसे पसंद नहीं है, और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने से हमेशा दुखी रहता है। अपने पिता की इच्छा के अनुसार और उसके पिता के बीच बहुत अच्छे संबंध नहीं है, ऐसा देखा गया कि साथ ही उनके पिता वेना राजीव को फिल्म में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में दिखाया गया, जो एक ग्राम अधिकारी के कार्यालयों में काम करता है, और उन्हें एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया, जो अक्सर अपने पत्नी अनुश्रुति के और बच्चे की परवाह किए बिना अपनी मर्जी के अपने जीवन को नियंत्रित करता। अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान राजीव को मार डाला, जहां पर देखा गया कि राजीव के द्वारा अपने रिश्ते और इसके टूटने के बाद की बात कही, जहां पर ऐसे व्यक्ति बन गए जाते हैं जो मन की स्थिति में होते हैं, जो पर मीरा के साथ अपने रिश्ते के कारण अपने परिवार सदस्यों से दूर और एक नया जीवन शुरू करता है। इस बीच रेहाना नामक की एक लड़की के साथ पहले रोमांटिक रिश्ते टूटने के बाद सूरज अपने रिश्ते दोस्त के साथ अच्छे करते हैं और गोपनीयता के साथ रिश्ते को बनाए रखते हैं, जहां पर देखा जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी लाजवाब है। वहीं रिश्ते के टूटने के बाद सूरज द्वारा अपने स्टार्टिव द अर्जुन अशोक द्वारा बताया गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और ममिताज की एक बात कही, जहां पर देखा गया कि यह फिल्म हर एक मामले में अच्छी है। वहीं वानरसा राजद द्वारा 8 सितंबर 2002 को जिनका जन्म हुआ, जो अभिनेत्री के रूप में काम करती है और बाहरी टिप्पणियों को देखती है। वहीं वाराणसी में 2017 में उत्तराध सुजात के साथ कृष्णा विद्रोही के बेटे उथिल कृष्ण के रूप में अभिनय की शुरुआत की, जहां पर कुछ अन्य फिल्मों में संक्षिप्त भूमिका निभाने के बाद वाराणसी 2019 की फिल्म के साथ अनिरुद्ध मथन दिनवन ने अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई, जहां पर अनराज द्वारा 2022 को रिलीज हुआ, जहां पर तिरसा स्टार और रंगीन के साथ तमिल के उद्योग में प्रवेश किया। बताया जाता है कि इसके रावणाज द्वारा उदार सुजादा के साथ काम किया, जहां पर मलयालम के साथ देखा जाता है। बताया जाता है कि यह फिल्म प्रज्ञा विलास के द्वारा निखिल और मुरलिक द्वारा निर्देशित और ग्रीन रूम प्रोड्यूसर के बैनर के तले चिबिक चावल के राजीक द्वारा निर्मित किया गया, जहां पर भारतीय मलयालम फिल्म के साथ इसे अशोक अरनाज और राजत मुमिताज बेजुक, हकीक सोज, मनोज केयूर और मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 24 फरवरी 2023 को है। बताया जाता है कि इसकी इर्द सूरज हमेशा संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, लेकिन अंत में अपने पिता के आग्रह के कारण उसे अन्य विषयों को पढ़ने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है, जो उसे पसंद नहीं है, और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने में हमेशा दुखी रहता है। अपने पिता की इच्छा के अनुसार उसके पिता के बीच एक बहुत अच्छा संबंध नहीं है, ऐसा देखा गया कि साथ ही उनके पिता वेनियाल राजीव के फिल्म में सरकारी कर्मचारी के रूप में दिखाया गया, जो एक ग्राम अधिकारी के कार्यों में काम करता और वह एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया, जो अवसरों की तलाश करता और एक स्वार्थी व्यक्ति के चित्र के साथ देखा जाता और बच्चे की ज्यादा परवाह किए बिना अपनी मर्जी में अपने जीवन को नियंत्रित करता है, जहां पर अपने विश्वविद्यालय के करियर के साथ दिखाया जाता है। इसके बाद अपने परिवार के सदस्यों को दूर नया जीवन के साथ
रहना पड़ता है, जहाँ पर लड़की के साथ अपने रोमांटिक रिश्ते को टूटने के बाद सूरज अपने अच्छे दोस्त गोपनीता के साथ जोड़ता है। बताया जाता है कि वह अपने संदर्भ को अच्छे रखते हैं। वहीं बात करें तो फिल्म रोमांचक हो जाती है, जहाँ पर बहुत अच्छे हैं। कहा जाता है कि इस फिल्म को काफ़ी अच्छे से बनाया गया और पोस्टर लुकिंग के साथ कुछ बेहतरीन ढंग से किया गया, जहाँ पर अर्नुज और मियाँ जॉर्ज की भी लुक देखी गई। मियाँ जॉर्ज की बात करें, जो मच्छी के नाम मियाँ जॉर्ज के अधिक सामान्य मियाँ के नाम से जानी जाती है और वह अपने भारतीय अभिनेत्री के रूप में मलयालम फिल्मों में काम करती है। उन्होंने टेलीविजन शो में सहायक भूमिका निभाई, जहां पर अभिनेत्री के रूप में कोरियोग्राफर और ईस्ट ऑफ लव लोग के साथ डॉक्टर लव 2011 में और अर्दिरिया के साथ देखा जाता है। बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन की, तो मियाँ का जन्म डॉबलिंग के मुंबई जॉर्ज जोसेफ मिनिक नामक के जॉर्ज की बेटी में हुआ था, जहां पर एक सिरो मलबार और कैथोलिक परिवार के रूप में हुआ, जहां उनके पिता और इंजीनियर के रूप में काम करने के बाद में 4 साल की उम्र में वह कोटा में पालक चली गई और उनके स्कूली शिक्षा के बाद बताया गया कि वह अपने हायर सेकेंडरी स्कूल भारमंग के साथ उन्होंने अफसोस कॉलेज के साथ पलायक बीएम की डिग्री पूरी की, जहां पर सेठ थॉम्स के साथ कॉलेज के साथ की, जहां पर एक प्लाइग एक बड़ी बहन की ग्रीन में काम की, जिसके शादी लिजोज में काम करते हैं, जहां पर बेंगलोर में रहते हैं। वहीं 22 को बताया गया कि यह 2022 को 12 सितंबर को मियाँ के कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण उसे साधारण समारोह में सेठ के बेजरीब ऑफ कुर्दा व्यवसायिक की असफलता के साथ फिलिप्स की शादी की गई, जहां पर देखा जाता है कि वह अपने जॉर्ज जोसेफ के 2 महीने के बाद सितंबर 2021 में मृत्यु और उनके टेलीविजन धारावाहिकों के अफसोमाना के साथ कुजालिंक और मारकरा में सहायक भूमिका निभाकर अपने करियर की शुरुआत की। डॉक्टर लव और ईजा आतूत कलाथ के अभिनय के साथ अपने भूमिका के लिए काफ़ी जाने जाते हैं और यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छी है। बताया जाता है कि परनाय विलास एक बेहतरीन तमिल मलयालम फिल्म है और इसे हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ परनाग विलास फिल्म के बारे में, जिसका प्रकाशन लव एड्रेस द्वारा निखिल मुरली द्वारा निर्देशित किया गया और ग्रीन रूप से प्रोड्यूसर के बैनर के तले सीबी चावल और रजनी नायर के द्वारा निर्मित किया गया। वहीं 2023 की भारतीय मलयालम फिल्म में इसे अर्जुन अशोक आनवास द्वारा, राजन ममित बज्जू और हकीम सो मनोज केउक द्वारा मुख्य भूमिका में की गई। यह फिल्म 24 फरवरी 2023 को रिलीज की गई। इसका बात करें तो फिल्म के निर्देशक निखिल मुरली है, वहीं इसका लेखन ज्योति एम सुन एम वी के द्वारा किया गया, वहीं इसकी उत्पादन सीवी चावला और रजनीकांत नायर के द्वारा किया गया, अभिनेता अर्जुन अशोक और अनवार राजभर द्वारा किया जाता है। जहां पर बात करें तो छायाकांड की तो सिनोज है, बात करें तो संपादक की इसमें तो विनोज नेपोलियन है, वहीं संगीत को शासन रहमान द्वारा दिया गया, वहीं इसकी प्रोड्यूसर कंपनी ग्रीन ग्रुप से प्रोड्यूसर रही है। बताया जाता है कि इसकी रिलीज की तारीख 24 फरवरी 2023 रखी गई है। भारत के मलयालम भाषाओं के साथ फिल्म को रिलीज किया गया। तो बात करें तो इसकी उत्पादन की फिल्म का पहला लुक 31 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था, जहां पर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा रिलीज के तारीख 17 फरवरी 2023 को घोषणा की गई कि इसे स्थगित कर दिया गया और 24 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया। बाद में टीजर और गीत वीडियो जारी किया गया और ट्रेलर किया गया, जहाँ पर प्रणय विलास द्वारा फिल्म की कहानी एक कॉलेज छात्र और सूरज और उसके परिवार के इर्द गिर्द शुरू होती है। इधर सूरज हमेशा संगीत के क्षेत्रों में आगे बढ़ता है और चाहता है कि वह, लेकिन अंत तक में अपने पिता के आग्रह के लिए उसे विषयों को पढ़ने के लिए और उसे दूसरे विश्वविद्यालय को जाना पड़े, जहां पर दोनों को पसंद नहीं होती और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने से हमेशा दुखी रहता है, जहां पर अपने पिता के इच्छा के अनुसार और उसके और पिता के रूप में बहुत अच्छे संबंध होते हैं, ऐसा देखा जाता है कि साथ ही उनके पिता के वेन राजीव को फिल्म में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में दिखाया गया, जो एक ग्राम अधिकारी के कार्य में काम करता है। उन्हें स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चरित्रित किया गया, जो अक्सर अपने पत्नी अनुसूरति के बच्चे की ज्यादा
परवाह किए बिना है, जो बिना अपने मर्जी से अपने जीवन को नियंत्रित करता है। अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान राजीव मीरा द्वारा एक लकड़ी के साथ रिश्ते में आई और उसके टुकड़े के बाद एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसमें मन की स्थिति होता है, और उससे मीना के द्वारा साथ अपने रिश्ते के परिवार के सदस्यों को दूर और नया जीवन शुरू करने के लिए कहता है। इसी बीच रेहाना नामक की एक लड़की आती है और उसके साथ अपने पहले रोमांटिक रिश्ते टूटने के साथ बताती है, जहां पर वह कहती है कि सूरज के अपने सबसे अच्छे दोस्त गोपिन के साथ अपना नया रिश्ता शुरू करता है। जहां पर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक बताते हैं कि अंजना जॉर्ज ने इसे 3.5 स्टार देते हुए लिखा कि रोमांस पर एक ताजा कदम है। जहां पर द हिंदू के साथ प्रवीण आलोक के समीक्षाओं के मिश्रित किया गया है, वहीं द न्यूज एक्सप्रेस के साजिश और श्री जीत द्वारा भावनात्मक त्राग द्वारा यह बंद हो गया है, जहां पर मिशन द्वारा हुआ और निर्देशक द्वारा किया गया। बताया जाता कि 5 में से 3.5 स्टार दिया गया, जहां पर OT2 संजीन के सिद्धार्थ द्वारा लिखे गए कुछ पालकों द्वारा अलावों द्वारा जो दिल को छू लेने वाली प्रणय विलासा के बारे में एक घूमने वाला मामला है जो काफी हिट नहीं करता है। बताया जाता है कि हालांकि समय के साथ आलोचनात्मक 5 में से 3.5 स्टार दिए गए, इंडियन एक्सप्रेस के आलोचनात्मक समीक्षा द्वारा मिश्रित दिया गया, जहां पर 5 में से 3 स्टार देते हुए अन्यान MMS व्यक्ति कार्ड फास्ट फूड के आलोचनात्मक द्वारा कहा गया, जहां पर प्रणया विलास द्वारा नई जमानत हुई, जहां पर जमीन तोड़ना शुरू चाहता था लेकिन यह तो बहुत डरता था और पूरे हॉन्ग में जाने में असमर्थ था, जो यहां और ना कि कहीं और परिणाम स्वरूप या गुंगेरे हो जाते हैं। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी अच्छी है। बात करें तो इसके अभिनेता अर्जुन अशोक की, तो यह एक बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं जो बहुत बेहतरीन फिल्मों में अपने अदाकारी से काम किए हैं और मलयालम में उद्योग में काम करने के बजाय और अधिक फिल्मों में काम किए, सहायक अभिनेता के रूप में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। वह मलयालम और अभिनेता हरिश्रुति अशोक के बेटे के साथ हैं, वहीं आर्केस्टू और ओरिक और मांड कुटू के साथ अपनी शुरुआत करते हैं, जहां पर वह परवाना के साथ छाप छोड़ जाती है जो पर सोवीना से जाहिर करती है, और पहले निर्देशक के फिल्म और बाद में बी टेक और विजय बाबू द्वारा निर्मित स्पीकर हिट जूनियर और टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद अपने पहले फिल्म के लिए अपने आप को एक दृश्य चुराने वाले बताते हैं, जहां पर वरात, उड़ा, सुपर, सरयान और एक अंतर्राष्ट्रीय कहानी जैसी फिल्मों में देखी गई है, जो उनके अभिनेता और पिता हरीश द्वारा कहा जाता है। बात करें तो इसमें फिल्मोग्राफी की, तो यह जब तक अन्यार्थी की बात कही तब तक चली। बताया गया कि इसमें बहुत अच्छी अदाकारी से अपनी सबने सुर्खियां बटोरी और अर्जुन अशोक अरवास राजन और ममिता बाजू द्वारा महान सितारे को भी देखा गया। बात करें तो ममता बेजू की, जो भारतीय अभिनेत्री है जो प्रमुख रूप से मलयालम फिल्मों में काम करती है और उन्होंने 2007 और 2017 में सौरपालिन पक्कल के माध्यम से शुरुआत किया, वह अपने औपचारिक जावा 2021 में अफसोला खोखा और 2021 में आजू और सुपर सरनिया द्वारा 2022 सोना की भूमिका में नजर आए। बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन की, ममिता बेजू केरल के कोटियाल जिले के की दुगरी में रहने वाली है। उनके माता पिता डॉक्टर बेजू और मिनिक बेजू के साथ उनका एक बड़ा भाई है, जहां पर मिधुन नाम है, जो ममता ने अपने स्कूली शिक्षा मेरिन माउंट बब्लिक स्कूल द्वारा कचीरा और NS हायरिंग सेकेंडरी स्कूल किरदूर के साथ किया, जहां पर मनोवैज्ञानिक हमें BVS कर रहे थे। बात करें तो इनकी पुरस्कार की, तो यह फिल्म काफी बेहतरीन और इनके संदर्भ में काफी अच्छी है। वहीं बताया जाता है कि इसके मलयालम तगलू और प्रणय विनाश की कहानी को उजागर करती है। बात करें तो कहानी की, तो प्रणय विनाश की कहानी एक कॉलेज के छात्र सूरज और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। सूरज हमेशा संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है लेकिन अंत में उन्हें अपने पहले पिता के आग्रह के कारण उसे अन्य विषयों को पढ़ने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय जाना पड़ता है जो एक पसंद करता है।
लेकिन और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने से हमेशा दुखी रहता। अपने पिता की इच्छा के अनुसार और उसके और उसके पिता की पीछे बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। ऐसा देखा गया कि साथ ही उनके पिता वेनक और राजीव को अपने पिता में सरकारी कर्मचारियों के रूप में दिखाया गया, जो एकल ग्राम अधिकारी के रूप में कार्य किया गया और उनके एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रण किया गया, जो अक्सर अपनी पत्नी अनुश्री और अपने बच्चे को ज्यादा परवाह के बिना अपनी मर्जी के बिना बात कही। जहाँ पर जीवित नियंत्रित और अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान राजीव मीरा नामक की एक लड़की के साथ रिश्ते में है और उसके टूटने के बाद एक ऐसा व्यक्ति बन ये जाता है जो मन की स्थिति में और मीरा के साथ अपने रिश्ते के कारण अपने परिवार के सदस्यों से दूर हो जाता है। और जीवन के शुरुआती में इस बीच रेहाना नामक की एक लड़की साथ आती है, जहाँ पर देखा जाता है कि वह सबसे अच्छी दोस्त और गोपनीयता के साथ आती है। बताया जाता है कि बॉक्स ऑफिस पर मूवी को टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 10 दिनों में 2.5 करोड़ के रुपए की कमाई की। द टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचनात्मक अंजला जॉर्ज ने इसे 3.5 स्टार देते हुए लिखा है कि रोमांस के ताजा कदम द हिंदू के एस प्रवीण कुमार आलोचनात्मक समीक्षाओं के साथ मिश्रा किया, जहाँ पर द न्यूज एक्सप्रेस के साजिश द्वारा श्रीजात कहा गया, जहाँ पर प्रणया विलास उनमें कही। इसके अलावा भावनात्मक राग मारा द्वारा यह बंद हो जाता है, यहाँ पर मिशन द्वारा पूरा किया गया। बताया गया कि 5 में से 3.5 स्टार जहाँ पर ओटी प्लेट के राजीव सिद्धार्थ द्वारा लिखा गया और कुछ पलों के अलावा जो दिल को छू लेंगे, जहाँ पर प्रणय विलास एक छुपने वाला मामला है जो काफी हिट नहीं करता। वहीं हालांकि समय के आलोचनात्मक 5 में से 3.5 स्टार दिया गया, जहां पर इंडियन एक्सप्रेस के आलोचनात्मक समीक्षाओं द्वारा मिश्रित किया गया। 5 में से 3 स्टार रेटिंग देते हुए अन्ना MMS वेंकिया स्कास्ट फर्स्ट के साथ आलोचनात्मक द्वारा प्रणया विलास द्वारा नई जमीन तोड़ना चाहता है लेकिन यह तो बहुत डरता है। वहीं पूरे हॉन्ग में जाने से असमर्थ होता है, जहां पर हिक हॉक परिणाम स्वरूप गुंगेरे के साथ देखा जाता है। बताया जाता है कि प्रणया विलास अनारसवा द्वारा राजन के द्वारा एक बहुत बेहतरीन अदाकारी के साथ नजर आते हैं। बात करें तो यह एक अभिनेत्री है जो प्रमुख रूप से मलयालम फिल्मों में काम करती है और उनके मलयालम लघु उद्योग क्लब के अभिनय की शुरुआत में उनकी पहली फीचर फिल्म उधार सुजादा 2017 में अनारसवा द्वारा व्यावसायिक रूप से सफलता, मलयालम फिल्म में थनिक मथर्न और दिंगवन द्वारा 2019 के सुपर सरनिया 2022 के माध्यम लोकप्रियता हासिल की। इसके प्रारंभिक जीवन के अनवार्स द्वारा 8 सितंबर 2002 को कनीरूल के मूल निवासी राजन और उषा के घर में हुआ। उन्होंने सेठ के मेरी गर्ल्स हुई स्कूल पियरिक नामक की प्राप्ति की, जहां पर कैरियोग्राफी के साथ अनारसा द्वारा 2017 में उधार सुजाद के साथ सुजादा कृष्ण की विद्रोही बेटे और अरिथा कृष्ण के रूप में अभिनय की शुरुआत किया, जहां पर अन्य फिल्मों के संक्षिप्त भूमिका निभाने के बाद अनारसवा द्वारा 2019 की कार्तिक मथुन और दिलगन ने अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई, जहां पर अनारस द्वारा 2022 में रिलीज तिरजा और स्टार रानी के साथ कामिल उद्योग में प्रवेश किया। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी अच्छी है। वहीं दूसरी ओर अभिनेता के रूप में अर्जुन अशोक है, जो जिनका जन्म 24 अगस्त 1992 को मलयालम उद्योग में हुआ, जो भारतीय अभिनेता सहायक अभिनेता कर्ता के रूप में भूमिका के नजर में आ चुके हैं। बताया जाता है कि यह काफी बेहतरीन और मलयालम हरीश अशोक के और कुष्ट द्वारा उरुक कोमुक के साथ अपनी शुरुआती करते हैं, जहां पर परवाह के साथ छाप छोड़ती है और जो सोबिना जाहिर की पहली निर्देशक फिल्म है, जो बाद में टैग और विजय बाबू द्वारा निर्मित स्कीपर जून और टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा उन्हें बाद की फिल्म के लिए अपने आप में दृश्य चुराते हैं, जहां पर वह बताता है कि अपने दृश्यों को चुराने वाले और वरात, उड़ाल, सुपर सरयान और एक अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय कहानी जैसी फिल्मों में देखा गया था, जो उनके अभिनेता पिता हरीश अशोक द्वारा बात कही गई थी, जहां पर काम करते हुए कहा गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है। वहीं बात करें तो प्रणया विलास की, तो जो एक लव एड्रेस लिखी मुरली निर्देशक और ग्रीन रूप मेड्रोस द्वारा बैनर तले नेबोल चावला के साथ निर्मित किया गया, जहां पर एक भारतीय मलयालम में इसे अर्जुन अवराज द्वारा ममिता देजूज
हलीकूद मनुज द्वारा केव्यूज मुख्य भूमिका के लिए 24 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया। बताया जाता है कि इसकी डालनात्मक बात कहें तो फिल्म की पहला लुक 31 दिसंबर को जारी किया गया था, जहां पर प्रोड्यूसर द्वारा कंपनी तारीख के साथ बात कहा गया था। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी लाजवाब है, जहां पर परनिया विलास फिल्म की कहानी एक कॉलेज छात्र सूरज और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। शुरुआती होती है जहां पर सूरज हमेशा गीत के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, जहां पर इच्छा रखता है, लेकिन अंत में अपने पिता के आग्रह के कारण उसे अन्य विषयों को पढ़ने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है, जो उसे पसंद नहीं है और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने से हमेशा दुखी रहता है। अपने पिता की इच्छा के अनुसार और उसके पिता के बीच बहुत अच्छे संबंध नहीं है, ऐसा देखा गया कि साथ ही उनके पिता वेना राजीव को फिल्म में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में दिखाया गया, जो एक ग्राम अधिकारी के कार्यालयों में काम करता है, और उन्हें एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया, जो अक्सर अपने पत्नी अनुश्रुति के और बच्चे की परवाह किए बिना अपनी मर्जी के अपने जीवन को नियंत्रित करता। अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान राजीव को मार डाला, जहां पर देखा गया कि राजीव के द्वारा अपने रिश्ते और इसके टूटने के बाद की बात कही, जहां पर ऐसे व्यक्ति बन गए जाते हैं जो मन की स्थिति में होते हैं, जो पर मीरा के साथ अपने रिश्ते के कारण अपने परिवार सदस्यों से दूर और एक नया जीवन शुरू करता है। इस बीच रेहाना नामक की एक लड़की के साथ पहले रोमांटिक रिश्ते टूटने के बाद सूरज अपने रिश्ते दोस्त के साथ अच्छे करते हैं और गोपनीयता के साथ रिश्ते को बनाए रखते हैं, जहां पर देखा जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी लाजवाब है। वहीं रिश्ते के टूटने के बाद सूरज द्वारा अपने स्टार्टिव दो अर्जुन अशोक द्वारा बताया गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और ममिता की एक बात कही, जहां पर देखा गया कि यह फिल्म हर एक मामले में अच्छी है। वहीं वानरसा राजद द्वारा 8 सितंबर 2002 को जिनका जन्म हुआ, जो अभिनेत्री के रूप में काम करती है और बाहरी टिप्पणियों को देखती है। वहीं वाराणसी में 2017 में उत्तराध सुजात के साथ कृष्णा विद्रोही के बेटी उथिल कृष्ण के रूप में अभिनय की शुरुआत की, जहां पर कुछ अन्य फिल्मों में संक्षिप्त भूमिका निभाने के बाद वाराणसी 2019 की फिल्म के साथ अनिरुद्ध मथन दिनवन ने अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई, जहां पर अनराज द्वारा 2022 को रिलीज हुआ, जहां पर तिरसा स्टार और रंगीन के साथ तमिल के उद्योग में प्रवेश किया। बताया जाता है कि इसके रावणाज द्वारा उदार सुजादा के साथ काम किया, जहां पर मलयालम के साथ देखा जाता है। बताया जाता है कि यह फिल्म परनिया विलास के द्वारा निखिल और मुरलिक द्वारा निर्देशित और ग्रीन रूम प्रोड्यूसर के बैनर के तले चिबिक चावल के राजीक द्वारा निर्मित किया गया, जहां पर भारतीय मलयालम फिल्म के साथ इसे अशोक अरनाज और राजत मुमिताज बेजुक हकीक सोच मनोज केयूर और मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 24 फरवरी 2023 को है। बताया जाता है कि इसकी इर्द सूरज हमेशा संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, लेकिन अंत में अपने पिता के आग्रह के कारण उसे अन्य विषयों को पढ़ने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है, जो उसे पसंद नहीं है और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने में हमेशा दुखी रहता है। अपने पिता की इच्छा के अनुसार उसके पिता के बीच एक बहुत अच्छा संबंध नहीं है, ऐसा देखा गया कि साथ ही उनके पिता वेनियाल राजीव के फिल्म में सरकारी कर्मचारी के रूप में दिखाया गया, जो एक ग्राम अधिकारी के कार्यों में काम करता और होगा एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया, जो अवसरों की तलाश करता और एक स्वार्थी व्यक्ति के चित्रण के साथ देखा जाता और बच्चे की ज्यादा परवाह किए बिना अपनी मर्जी में अपने जीवन को नियंत्रित करता है, जहां पर अपने विश्वविद्यालय के करियर के साथ दिखाया जाता है। इसके बाद अपने परिवार के सदस्यों को दूर नया जीवन के साथ रहना पड़ता है, जहां पर लड़की के साथ अपने रोमांटिक रिश्ते को टूटने के बाद सूरज अपने अच्छे दोस्त गोपनीयता के साथ जोड़ता है। बताया जाता है कि वह अपने संदर्भ को अच्छे रखते हैं। वहीं बात करें तो फिल्म रोमांचक हो जाती है, जहां पर बहुत अच्छे हैं। कहा जाता है कि इस फिल्म को काफी अच्छे से बनाया गया और पोस्टर लुकिंग के साथ कुछ बेहतरीन ढंग से किया गया, जहां पर अर्नोज और मियां जॉर्ज की भी लुक देखी गई। मियां जॉर्ज की बात करें, जो मच्छी के नाम मियां जॉर्ज के अधिक सामान्य मियां के नाम से जानी जाती है और वह अपने भारतीय अभिनेत्री के रूप में मलयालम फिल्मों में काम करती है। उन्होंने टेलीविजन शो में सहायक भूमिका निभाई, जहां पर अभिनेत्री के रूप में कोरियोग्राफर और ईस्ट ऑफ लव लोग के साथ
डॉक्टर लव 2011 में अर्धिरुदिया के साथ देखा जाता है। बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन की, तो मिया का जन्म डॉबलिंग के मुंबई जॉर्ज जोसेफ मिनिक नामक के जॉर्ज की बेटी में हुआ था, जहां पर एक सिरो मलबार और कैथोलिक परिवार के रूप में हुआ, जहां उनके पिता और इंजीनियर के रूप में काम करने के बाद में 4 साल की उम्र में वह कोटा में पालक चली गई और उनके स्कूली शिक्षा के बाद बताया गया कि वह अपने हायर सेकेंडरी स्कूल भारमंग के साथ उन्होंने अफसोस कॉलेज के साथ पलायक बीएम की डिग्री पूरी की, जहां पर सेठ थॉम्स के साथ कॉलेज के साथ की, जहां पर एक प्लाइग एक बड़ी बहन की ग्रीन में काम की जिसके शादी लिजोज में काम करते हैं जहां पर बेंगलोर में रहते हैं। वहीं 22 को बताया गया कि यह 2022 को 12 सितंबर को मियां के कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण उसे साधारण समारोह में सेठ के बेसरीब ऑफ कुर्दा व्यवसाय की असफलता के साथ फिलिप्स की शादी की गई, जहां पर देखा जाता है कि वह अपने जॉर्ज जोसेफ के 2 महीने के बाद सितंबर 2021 में मृत्यु और उनके टेलीविजन धारावाहिकों के अफसोमाना के साथ कुजालिंक और मारकरा में सहायक भूमिका निभाकर अपने करियर की शुरुआत की। डॉक्टर लव और ईजा आतूत कलात के अभिनय के साथ अपने भूमिका के लिए काफ़ी जाने जाते हैं और यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छी है। बताया जाता है कि परनाय विलास एक बेहतरीन तमिल मलयालम फिल्म है और इसे हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ परनाग विलास फिल्म के बारे में, जिसका प्रकाशन लव एड्रेस द्वारा निखिल मुरली द्वारा निर्देशित किया गया और ग्रीन रूप से प्रोड्यूसर के बैनर के तले सीबी चावल और रजनी नायर के द्वारा निर्मित किया गया। वहीं 2023 की भारतीय मलयालम फिल्म में इसे अर्जुन अशोक आनवास द्वारा राजन ममित बज्जू और हकीम सो मनोज केउक द्वारा मुख्य भूमिका में की गई। यह फिल्म 24 फरवरी 2023 को रिलीज की गई। इसका बात करें तो फिल्म के निर्देशक निखिल मुरली है, वहीं इसका लेखन ज्योति एम सुन एम वी के द्वारा किया गया, वहीं इसकी उत्पादन सीवी चावला और रजनीकांत नायर के द्वारा किया गया, अभिनेता अर्जुन अशोक और अनवर राजभर द्वारा किया जाता है। जहां पर बात करें तो छायाकान की तो सिनोज है, बात करें तो संपादक की इसमें तो बिनोज नेपोलियन है, वहीं संगीत को शासन रहमान द्वारा दिया गया, वहीं इसकी प्रोड्यूसर कंपनी ग्रीन ग्रुप से प्रोड्यूसर रही है। बताया जाता है कि इसकी रिलीज की तारीख 24 फरवरी 2023 रखी गई है। भारत के मलयालम भाषाओं के साथ फिल्म को रिलीज किया गया। तो बात करें तो इसकी उत्पादन की फिल्म का पहला लुक 31 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था, जहां पर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा रिलीज के तारीख 17 फरवरी 2023 को घोषणा की गई कि इसे स्थगित कर दिया गया और 24 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया। बाद में टीजर और गीत वीडियो जारी किया गया और ट्रेलर किया गया, जहाँ पर प्रणय विलास द्वारा फिल्म की कहानी एक कॉलेज छात्र और सूरज और उसके परिवार के इर्द गिर्द शुरू होती है। इधर सूरज हमेशा संगीत के क्षेत्रों में आगे बढ़ता है और चाहता है कि वह, लेकिन अंत तक में अपने पिता के आग्रह के लिए उसे विषयों को पढ़ने के लिए और उसे दूसरे विश्वविद्यालय को जाना पड़े, जहां पर दोनों को पसंद नहीं होती और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने से हमेशा दुखी रहता है, जहां पर अपने पिता के इच्छा के अनुसार और उसके और पिता के रूप में बहुत अच्छे संबंध होते हैं ऐसा देखा जाता है कि साथ ही उनके पिता के वेन राजीव को फिल्म में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में दिखाया गया जो एक ग्राम अधिकारी के कार्य में काम करता है। उन्हें स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चरित्रित किया गया जो अक्सर अपने पत्नी अनुश्रुति के बच्चे की ज्यादा परवाह किए बिना है, जो बिना अपने मर्जी से अपने जीवन को नियंत्रित करता है। अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान राजीव मीरा द्वारा एक लकड़ी के साथ रिश्ते में आई और उसके टुकड़े के बाद एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसमें मन की स्थिति होता है और उससे मीना के द्वारा साथ अपने रिश्ते के परिवार के सदस्यों को दूर और नया जीवन शुरू करने के लिए कहता है। इसी बीच रेहाना नामक की एक लड़की आती है और उसके साथ अपने पहले रोमांटिक रिश्ते टूटने के साथ बताती है, जहां पर वह कहती है कि सूरज के अपने सबसे अच्छे दोस्त गोपिन के साथ अपना नया रिश्ता शुरू करता है। जहां पर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक बताते हैं कि अंजना जॉर्ज ने इसे 3.5 स्टार देते हुए लिखा कि रोमांस पर एक ताजा कदम है। जहां पर द हिंदू के साथ प्रवीण आलोक के समीक्षाओं के मिश्रित किया गया है। वहीं द न्यूज एक्सप्रेस के साजिश और श्री
जीत द्वारा, भावनात्मक राग द्वारा यह बंद हो गया है, जहां पर मिशन द्वारा हुआ और निर्देशक द्वारा किया गया। बताया जाता कि 5 में से 3.5 स्टार दिया गया, जहां पर OT2 संजीन के सिद्धार्थ द्वारा लिखे गए कुछ पालकों द्वारा अलावों द्वारा जो दिल को छू लेने वाली प्रणय विलासा के बारे में एक घूमने वाला मामला है जो काफी हिट नहीं करता है। बताया जाता है कि हालांकि समय के साथ आलोचनात्मक 5 में से 3.5 स्टार दिए गए, इंडियन एक्सप्रेस के आलोचनात्मक समीक्षा द्वारा मिश्रित दिया गया, जहां पर 5 में से 3 स्टार देते हुए अन्यान MMS व्यक्ति कार्ड फास्ट फूड के आलोचनात्मक द्वारा कहा गया, जहां पर प्रणया विलास द्वारा नई जमानत हुई, जहां पर जमीन तोड़ना शुरू चाहता था लेकिन यह तो बहुत डरता था और पूरे हॉन्ग में जाने में असमर्थ था, जो यहां और ना कि कहीं और परिणाम स्वरूप या गुंगेरे हो जाते हैं। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी अच्छी है। बात करें तो इसके अभिनेता अर्जुन अशोक की, तो यह एक बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं जो बहुत बेहतरीन फिल्मों में अपने अदाकारी से काम किए हैं और मलयालम में उद्योग में काम करने के बजाय और अधिक फिल्मों में काम किए, सहायक अभिनेता के रूप में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। वह मलयालम और अभिनेता हरिश्रुति अशोक के बेटे के साथ हैं। वहीं आर्केस्टू और ओरिक और मांड कुटू के साथ अपनी शुरुआत करते हैं, जहां पर वह परवाना के साथ छाप छोड़ जाती है जो पुरसोविना से जाहिर करती है और पहले निर्देशक के फिल्म और बाद में बी टेक और विजय बाबू द्वारा निर्मित स्पीकर हिट जूनियर और टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद अपने पहले फिल्म के लिए अपने आप को एक दृश्य चुराने वाले बताते हैं, जहां पर वरात, उड़ा, सुपर, सरयान और एक अंतर्राष्ट्रीय कहानी जैसी फिल्मों में देखी गई है, जो उनके अभिनेता और पिता हरीश द्वारा कहा जाता है। बात करें तो इसमें फिल्मोग्राफी की, तो यह जब तक अन्यार्थी की बात कही तब तक चली। बताया गया कि इसमें बहुत अच्छी अदाकारी से अपनी सबने सुर्खियां बटोरी और अर्जुन अशोक आरवास राजन और ममिता बाजू द्वारा महान सितारे को भी देखा गया। बात करें तो ममता बेजू की, जो भारतीय अभिनेत्री जो प्रमुख रूप से मलयालम फिल्मों में काम करती है और उन्होंने 2007 और 2017 में सौरपालिन पक्कल के माध्यम से शुरुआत किया, वह अपने औपचारिक जावा 2021 में अफसोला खोखा और 2021 में आजू और सुपर सरनिया द्वारा 2022 सोना की भूमिका में नजर आए। बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन की, ममिता बेजू केरल के कोटियाल जिले के किदुगिरी में रहने वाली है। उनके माता पिता डॉक्टर बेजू और मिनिक बेजू के साथ उनका एक बड़ा भाई है, जहां पर मिधुन नाम है, जो ममता ने अपने स्कूली शिक्षा मेरिन माउंट बब्लीज स्कूल द्वारा कचीरा और NS हायरिंग सेकेंडरी स्कूल किरदूर के साथ किया, जहां पर मनोवैज्ञानिक हमें BVS कर रहे थे। बात करें तो इनकी पुरस्कार की, तो यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन और इनके संदर्भ में काफ़ी अच्छी है। वहीं बताया जाता है कि इसके मलयालम तगलू और प्रणय विनाश की कहानी को उजागर करती है। बात करें तो कहानी की, तो प्रणय विनाश की कहानी एक कॉलेज के छात्र सूरज और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। सूरज हमेशा संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अंत में उन्हें अपने पहले पिता के आग्रह के कारण उसे अन्य विषयों को पढ़ने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय जाना पड़ता है जो एक पसंद करता है, लेकिन और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने से हमेशा दुखी रहता है। अपने पिता की इच्छा के अनुसार और उसके और उसके पिता की पीछे बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते हैं, ऐसा देखा गया कि साथ ही उनके पिता वेनक और राजीव को अपने पिता में सरकारी कर्मचारियों के रूप में दिखाया गया, जो एकल ग्राम अधिकारी के रूप में कार्य किया गया और उनके एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रण किया गया, जो अक्सर अपनी पत्नी अनुश्री और अपने बच्चे को ज्यादा परवाह के बिना अपनी मर्जी के बिना बात कही। जहाँ पर जीवित नियंत्रित और अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान राजीव मीरा नामक की एक लड़की के साथ रिश्ते में है और उसके टूटने के बाद एक ऐसा व्यक्ति बन के जाता है जो मन की स्थिति में और मीरा के साथ अपने रिश्ते के कारण अपने परिवार के सदस्यों से दूर हो जाता है और जीवन के शुरुआती में इस बीच रेहाना नामक की एक लड़की साथ आती है, जहां पर देखा जाता है कि वह सबसे अच्छी दोस्त और गोपनीयता के साथ आती है। बताया जाता है कि बॉक्स ऑफिस पर मूवी को टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 10 दिनों में 2.5 करोड़ के रुपए की कमाई की। द टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचनात्मक अंजला जॉर्ज ने इसे
3.5 स्टार देते हुए लिखा है कि रोमांस के ताजा कदम द हिंदू के एस प्रवीण कुमार आलोचनात्मक समीक्षाओं के साथ मिश्रा किया, जहां पर द न्यूज एक्सप्रेस के साजिश द्वारा श्रीजात कहा गया, जहां पर प्रणय अभिलाष उनमें कही। इसके अलावा भावनात्मक राग मारा द्वारा यह बंद हो जाता है, यहाँ पर मिशन द्वारा पूरा किया गया। बताया गया कि 5 में से 3.5 स्टार जहाँ पर ओटी प्लेट के राजीव सिद्धार्थ द्वारा लिखा गया, और कुछ पलों के अलावा जो दिल को छू लेंगे, जहाँ पर प्रणय विलास एक छुपने वाला मामला है जो काफी हिट नहीं करता। वहीं हालांकि समय के आलोचनात्मक 5 में से 3.5 स्टार दिया गया, जहां पर इंडियन एक्सप्रेस के आलोचनात्मक समीक्षाओं द्वारा मिश्रित किया गया 5 में से 3 स्टार रेटिंग देते हुए अन्ना एमएमएस वेंकैया कास्ट फर्स्ट के साथ आलोचनात्मक द्वारा पर नया विलास द्वारा नई जमीन तोड़ना चाहता है, लेकिन यह तो बहुत डरता है। वहीं पूरे हॉन्ग में जाने से असमर्थ होता है, जहां पर हिक हॉक परिणाम स्वरूप गुंगेरे के साथ देखा जाता है। बताया जाता है कि प्रणया विलास अनारसवा द्वारा राजन के द्वारा एक बहुत बेहतरीन अदाकारी के साथ नजर आते हैं। बात करें तो यह एक अभिनेत्री है जो प्रमुख रूप से मलयालम फिल्मों में काम करती है, और उनके मलयालम लघु उद्योग क्लोब के अभिनय की शुरुआत में उनकी पहली फीचर फिल्म उधार सुजादा 2017 में अनारसवा द्वारा व्यावसायिक रूप से सफलता, मलयालम फिल्म में थनिक मथर्न और दिंगवन द्वारा 2019 के सुपर सरनिया 2022 के माध्यम लोकप्रियता हासिल की। इसके प्रारंभिक जीवन के अनवार्स द्वारा 8 सितंबर 2002 को कनीरूल के मूल निवासी राजन और उषा के घर में हुआ। उन्होंने सेठ के मेरी गर्ल्स हुई स्कूल पियरिक नामक की प्राप्ति की, जहां पर कैरियोग्राफी के साथ अनारसा द्वारा 2017 में उधार सुजाद के साथ सुजादा कृष्ण की विद्रोही बेटे और अनिता कृष्ण के रूप में अभिनय की शुरुआत किया, जहां पर अन्य फिल्मों के संक्षिप्त भूमिका निभाने के बाद अनारसवा द्वारा 2019 की कार्तिक मथुन और दिलगन ने अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई, जहां पर अनारस द्वारा 2022 में रिलीज तिरजा और स्टार रांगी के साथ कामिल उद्योग में प्रवेश किया। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी अच्छी है। वहीं दूसरी ओर अभिनेता के रूप में अर्जुन अशोक है, जो जिनका जन्म 24 अगस्त 1992 को मलयालम उद्योग में हुआ, जो भारतीय अभिनेता सहायक अभिनेता कर्ता के रूप में भूमिका के नजर में आ चुके हैं। बताया जाता है कि यह काफी बेहतरीन और मलयालम हरीश अशोक के और कुष्ठ द्वारा उरु कोमुक के साथ अपनी शुरुआती करते हैं, जहां पर प्रवाह के साथ छाप छोड़ती है, और जो सोबिना जाहिर की पहली निर्देशक फिल्म है, जो बाद में टैग और विजय बाबू द्वारा निर्मित स्कीपर जून और टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा उन्हें बाद की फिल्म के लिए अपने आप में दृश्य चुराते हैं, जहां पर वह बताता है कि अपने दृश्यों को चुराने वाले और वरात, उड़ाल, सुपर सरयान और एक अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय कहानी जैसी फिल्मों में देखा गया था, जो उनके अभिनेता पिता हरीश अशोक द्वारा बात कही गई थी, जहां पर काम करते हुए कहा गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है। वहीं बात करें तो प्रणय अभिलाष की, तो जो एक लव एड्रेस लिखिल मुरली निर्देशक और ग्रीन रूप मेड्रोस द्वारा बैनर तले नेबोल चावला के साथ निर्मित किया गया, जहां पर एक भारतीय मलयालम में इसे अर्जुन अवराज द्वारा, ममिता देजूज, हलिकूद मनुज द्वारा के व्यूज मुख्य भूमिका के लिए 24 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया। बताया जाता है कि इसकी ढालनात्मक बात कहे तो फिल्म की पहला लुक 31 दिसंबर को जारी किया गया था, जहां पर प्रोड्यूसर द्वारा कंपनी तारीख के साथ बात कहा गया था। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी लाजवाब है, जहां पर प्रणया विलास फिल्म की कहानी एक कॉलेज छात्र सूरज और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, शुरुआती होती है, जहाँ पर सूरज हमेशा गीत के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इच्छा रखता है, लेकिन अंत में अपने पिता के आग्रह के कारण उसे अन्य विषयों को पढ़ने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है, जो उसे पसंद नहीं है, और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने से हमेशा दुखी रहता है। अपने पिता की इच्छा के अनुसार और उसके पिता के बीच बहुत अच्छे संबंध नहीं है, ऐसा देखा गया कि साथ ही उनके पिता वेना राजीव को फिल्म में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में दिखाया गया, जो एक ग्राम अधिकारी के कार्यालयों में काम करता है, और उन्हें एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया, जो अक्सर अपने पत्नी अनुश्रुति के और बच्चे की परवाह
किए बिना अपनी मर्जी के अपने जीवन को नियंत्रित करता अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान राजीव को मार डाला, जहां पर देखा गया कि राजीव के द्वारा अपने रिश्ते और इसके टूटने के बाद की बात कही, जहां पर ऐसे व्यक्ति बन गए जाते हैं जो मन की स्थिति में होते हैं, जो पर मीरा के साथ अपने रिश्ते के कारण अपने परिवार सदस्यों से दूर और एक नया जीवन शुरू करता है। इस बीच रेहाना नामक की एक लड़की के साथ पहले रोमांटिक रिश्ते टूटने के बाद सूरज अपने रिश्ते दोस्त के साथ अच्छे करते हैं और गोपनीयता के साथ रिश्ते को बनाए रखते हैं, जहां पर देखा जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी लाजवाब है। वहीं रिश्ते के टूटने के बाद सूरज द्वारा अपने स्टार्टिप द अर्जुन अशोक द्वारा बताया गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और ममिता की एक बात कही, जहां पर देखा गया कि यह फिल्म हर एक मामले में अच्छी है। वहीं वानरसा राजद द्वारा 8 सितंबर 2002 को जिनका जन्म हुआ, जो अभिनेत्री के रूप में काम करती है और बाहरी टिप्पणियों को देखती है। वहीं वाराणसी में 2017 में उत्तराध सुजात के साथ कृष्णा विद्रोही के बेटी उथिल कृष्ण के रूप में अभिनय की शुरुआत की, जहां पर कुछ अन्य फिल्मों में संक्षिप्त भूमिका निभाने के बाद वाराणसी 2019 की फिल्म के साथ अनिरुद्ध मथन दिनुवन ने अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई, जहां पर अनराज द्वारा 2022 को रिलीज हुआ, जहां पर तिरसा स्टार और रंगीन के साथ तमिल के उद्योग में प्रवेश किया। बताया जाता है कि इसके रावणाज द्वारा उदार सुजादा के साथ काम किया, जहां पर मलयालम के साथ देखा जाता है। बताया जाता है कि यह फिल्म परनिया विलास के द्वारा निखिल और मुरलिक द्वारा निर्देशित और ग्रीन रूम प्रोड्यूसर के बैनर के तले चिबिक चावल के राजीक द्वारा निर्मित किया गया, जहां पर भारतीय मलयालम फिल्म के साथ इसे अशोक अरनाज और राजत मुमिताज बेजुक हकीक सोज मनोज केयूर और मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 24 फरवरी 2023 को है। बताया जाता है कि इसकी इर्द सूरज हमेशा संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, लेकिन अंत में अपने पिता के आग्रह के कारण उसे अन्य विषयों को पढ़ने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है, जो उसे पसंद नहीं है, और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने में हमेशा दुखी रहता है। अपने पिता की इच्छा के अनुसार उसके पिता के बीच एक बहुत अच्छा संबंध नहीं है, ऐसा देखा गया कि साथ ही उनके पिता वेनियाल राजीव के फिल्म में सरकारी कर्मचारी के रूप में दिखाया गया, जो एक ग्राम अधिकारी के कार्यों में काम करता और वह एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया, जो अवसरों की तलाश करता और एक स्वार्थी व्यक्ति के चित्रण के साथ देखा जाता और बच्चे की ज्यादा परवाह किए बिना अपनी मर्जी में अपने जीवन को नियंत्रित करता है, जहां पर अपने विश्वविद्यालय के करियर के साथ दिखाया जाता है। इसके बाद अपने परिवार के सदस्यों को दूर नया जीवन के साथ रहना पड़ता है, जहां पर लड़की के साथ अपने रोमांटिक रिश्ते को टूटने के बाद सूरज अपने अच्छे दोस्त गोपनीयता के साथ जोड़ता है। बताया जाता है कि वह अपने संदर्भ को अच्छे रखते हैं। वहीं बात करें तो फिल्म रोमांचक हो जाती है, जहां पर बहुत अच्छे हैं। कहा जाता है कि इस फिल्म को काफी अच्छे से बनाया गया और पोस्टर लुकिंग के साथ कुछ बेहतरीन ढंग से किया गया, जहाँ पर अर्नोज और मियाँ जॉर्ज की भी लुक देखी गई। मियाँ जॉर्ज की बात करें, जो मच्छी के नाम मियाँ जॉर्ज के अधिक सामान्य मियाँ के नाम से जानी जाती है और वह अपने भारतीय अभिनेत्री के रूप में मलयालम फिल्मों में काम करती है। उन्होंने टेलीविजन शो में सहायक भूमिका निभाई, जहाँ पर अभिनेत्री के रूप में कोरियोग्राफर और ईस्ट ऑफ लव लोग के साथ डॉक्टर लव 2011 में और दिव्या के साथ देखा जाता है। बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन की, तो मियाँ का जन्म डॉबलिंग के मुंबई जॉर्ज जोसेफ मिनिक नामक के जॉर्ज की बेटी में हुआ था, जहां पर एक सिरो मलबार और कैथोलिक परिवार के रूप में हुआ, जहां उनके पिता और इंजीनियर के रूप में काम करने के बाद में 4 साल की उम्र में वह कोटा में पालक चली गई और उनके स्कूली शिक्षा के बाद बताया गया कि वह अपने हायर सेकेंडरी स्कूल भारमंग के साथ उन्होंने अफसोस कॉलेज के साथ पलायक बीएम की डिग्री पूरी की, जहां पर सेठ थॉम्स के साथ कॉलेज के साथ की, जहां पर एक प्लाइग एक बड़ी बहन की ग्रीन में काम की, जिसके शादी लिजोज में काम करते हैं, जहां पर बेंगलोर में रहते हैं। वहीं 22 को बताया गया कि यह 2022 को 12 सितंबर को मियाँ के कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण उसे साधारण समारोह में सेठ के बेसरीब ऑफ कुर्दा व्यवसाय की असफलता के साथ फिलिप्स की शादी की गई, जहां पर देखा जाता है कि वह अपने जॉर्ज जोसेफ के 2 महीने के बाद सितंबर 2021 में मृत्यु और उनके टेलीविजन धारावाहिकों के अफसोमाना के साथ कुजालिंक और मारकरा में सहायक भूमिका निभाकर अपने करियर की शुरुआत की। डॉक्टर लव और ईजा आतूत कलात के अभिनय के साथ अपने भूमिका के लिए काफी जाने जाते हैं
और यह फिल्म काफी बेहतरीन है और काफी अच्छी है। बताया जाता है कि परनाग विलास एक बेहतरीन तमिल मलयालम फिल्म है और इसे हेलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ परनाग विलास फिल्म के बारे में, जिसका प्रकाशन लव एड्रेस द्वारा निखिल मुरली द्वारा निर्देशित किया गया और ग्रीन रूप से प्रोड्यूसर के बैनर के तले सीबी चावल और रजनी नायर के द्वारा निर्मित किया गया। वहीं 2023 की भारतीय मलयालम फिल्म में इसे अर्जुन अशोक आनवास द्वारा राजन ममित बज्जू और हकीम सो मनोज केउक द्वारा मुख्य भूमिका में की गई। यह फिल्म 24 फरवरी 2023 को रिलीज की गई। इसका बात करें तो फिल्म के निर्देशक निखिल मुरली है, वहीं इसका लेखन ज्योति एम सुन एम वी के द्वारा किया गया, वहीं इसकी उत्पादन सीवी चावला और रजनीकांत नायर के द्वारा किया गया, अभिनेता अर्जुन अशोक और अनवर राजभर द्वारा किया जाता है। जहाँ पर बात करें तो छायाकान की तो सिनोज है, बात करें तो संपादक की इसमें तो बिनोज नेपोलियन है, वहीं संगीत को शासन रहमान द्वारा दिया गया, वहीं इसकी प्रोड्यूसर कंपनी ग्रीन ग्रुप से प्रोड्यूसर रही है। बताया जाता है कि इसकी रिलीज की तारीख 24 फरवरी 2023 रखी गई है। भारत के मलयालम भाषाओं के साथ फिल्म को रिलीज किया गया। तो बात करें तो इसकी उत्पादन की फिल्म का पहला लुक 31 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था, जहां पर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा रिलीज के तारीख 17 फरवरी 2023 को घोषणा की गई कि इसे स्थगित कर दिया गया और 24 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया। बाद में टीजर और गीत वीडियो जारी किया गया और ट्रेलर किया गया, जहाँ पर प्रणय विलास द्वारा फिल्म की कहानी एक कॉलेज छात्र और सूरज और उसके परिवार के इर्द गिर्द शुरू होती है। इधर सूरज हमेशा संगीत के क्षेत्रों में आगे बढ़ता है और चाहता है कि वह, लेकिन अंत तक में अपने पिता के आग्रह के लिए उसे विषयों को पढ़ने के लिए और उसे दूसरे विश्वविद्यालय को जाना पड़े, जहाँ पर दोनों को पसंद नहीं होती और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने से हमेशा दुखी रहता है। जहाँ पर अपने पिता के इच्छा के अनुसार और उसके और पिता के रूप में बहुत अच्छे संबंध होते हैं, ऐसा देखा जाता है कि साथ ही उनके पिता के वेन राजीव को फिल्म में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में दिखाया गया जो एक ग्राम अधिकारी के कार्य में काम करता है। उन्हें स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चरित्रित किया गया जो अक्सर अपने पत्नी अनुश्रुति के बच्चे की ज्यादा परवाह किए बिना है, जो बिना अपने मर्जी से अपने जीवन को नियंत्रित करता है। अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान राजीव मीरा द्वारा एक लकड़ी के साथ रिश्ते में आई और उसके टुकड़े के बाद एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसमें मन की स्थिति होता है और उससे मीना के द्वारा साथ अपने रिश्ते के परिवार के सदस्यों को दूर और नया जीवन शुरू करने के लिए कहता है। इसी बीच रेहाना नामक की एक लड़की आती है और उसके साथ अपने पहले रोमांटिक रिश्ते टूटने के साथ बताती है, जहाँ पर वह कहती है कि सूरज के अपने सबसे अच्छे दोस्त गोपिन के साथ अपना नया रिश्ता शुरू करता है। जहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक बताते हैं कि अंजना जॉर्ज ने इसे 3.5 स्टार देते हुए लिखा कि रोमांस पर एक ताजा कदम है। जहाँ पर द हिंदू के साथ प्रवीण आलोक के समीक्षाओं के मिश्रित किया गया है, वहीं द न्यूज एक्सप्रेस के साजिश और श्री जीत द्वारा भावनात्मक त्राग द्वारा यह बंद हो गया है, जहाँ पर मिशन द्वारा हुआ और निर्देशक द्वारा किया गया। बताया जाता कि 5 में से 3.5 स्टार दिया गया, जहाँ पर OT2 संजीन के सिद्धार्थ द्वारा लिखे गए कुछ पालकों द्वारा अलावों द्वारा जो दिल को छू लेने वाली प्रणय विलासा के बारे में एक घूमने वाला मामला है जो काफी हिट नहीं करता है। बताया जाता है कि हालांकि समय के साथ आलोचनात्मक 5 में से 3.5 स्टार दिए गए, इंडियन एक्सप्रेस के आलोचनात्मक समीक्षा द्वारा मिश्रित दिया गया, जहां पर 5 में से 3 स्टार देते हुए अन्यान MMS व्यक्ति कार्ड फास्ट फूड के आलोचनात्मक द्वारा कहा गया, जहां पर प्रणया विलास द्वारा नई जमानत हुई, जहां पर जमीन तोड़ना शुरू चाहता था लेकिन यह तो बहुत डरता था और पूरे हॉन्ग में जाने में असमर्थ था, जो यहाँ और ना कि कहीं और परिणाम स्वरूप या गुंगेरे हो जाते हैं। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी अच्छी है। बात करें तो इसके अभिनेता अर्जुन अशोक की तो यह एक बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं जो बहुत बेहतरीन फिल्मों में अपने अदाकारी से काम किए हैं और मलयालम में उद्योग में काम करने के बजाय और अधिक फिल्मों में काम किए, सहायक अभिनेता के रूप में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। वह मलयालम
और अभिनेता हरी श्रुति अशोक के बेटे के साथ हैं। वहीं आर्केस्टू और ओरिक और मांड कुटू के साथ अपनी शुरुआत करते हैं, जहां पर वह परवाना के साथ छाप छोड़ जाती है, जो पर सोवीना से जाहिर करती है। और पहले निर्देशक के फिल्म और बाद में बी टेक और विजय बाबू द्वारा निर्मित स्पीकर हिट जूनियर और टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद अपने पहले फिल्म के लिए अपने आप को एक दृश्य चुराने वाले बताते हैं, जहां पर वह रात उड़ा, सुपर, सरयान और एक अंतर्राष्ट्रीय कहानी जैसी फिल्मों में देखी गई है, जो उनके अभिनेता और पिता हरीश द्वारा कहा जाता है। बात करें तो इसमें फिल्मोग्राफी की, तो यह जब तक अन्यार्थी की बात कही तब तक चली। बताया गया कि इसमें बहुत अच्छी अदाकारी से अपनी सबने सुर्खियां बटोरी और अर्जुन, अशोक आरवास, राजन और ममिता बाजू द्वारा महान सितारे को भी देखा गया। बात करें तो ममता बेजू की, जो भारतीय अभिनेत्री है, जो प्रमुख रूप से मलयालम फिल्मों में काम करती है, और उन्होंने 2007 और 2017 में सौरपालिन पक्कल के माध्यम से शुरुआत किया। वह अपने औपचारिक जावा 2021 में अफसोला खोखा और 2021 में आजू और सुपर सरनिया द्वारा 2022 सोना की भूमिका में नजर आए। बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन की, ममिता बेजू केरल के कोटियाल जिले के किदुगिरी में रहने वाली है। उनके माता पिता डॉक्टर बेजू और मिनिक बेजू के साथ उनका एक बड़ा भाई है, जहां पर मिधुन नाम है, जो ममता ने अपने स्कूली शिक्षा मेरिन माउंट बब्लीज स्कूल द्वारा कचीरा और एनएस हायरिंग सेकेंडरी स्कूल किरदूर के साथ किया, जहां पर मनोवैज्ञानिक हमें बीबीएस कर रहे थे। बात करें तो इनकी पुरस्कार की, तो यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन और इनके संदर्भ में काफ़ी अच्छी है। वहीं बताया जाता है कि इसके मलयालम तगलू और परनायक विनाश की कहानी को उजागर करती है। बात करें तो कहानी की, तो परनायक विनाश की कहानी एक कॉलेज के छात्र सूरज और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। सूरज हमेशा संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अंत में उन्हें अपने पहले पिता के आग्रह के कारण उसे अन्य विषयों को पढ़ने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय जाना पड़ता है, जो एक पसंद करता है, लेकिन और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने से हमेशा दुखी रहता है। अपने पिता की इच्छा के अनुसार और उसके और उसके पिता की पीछे बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते हैं, ऐसा देखा गया कि ये साथ ही उनके पिता वेनक और राजीव को अपने पिता में सरकारी कर्मचारियों के रूप में दिखाया गया, जो एकल ग्राम अधिकारी के रूप में कार्य किया गया और उनके एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रण किया गया, जो अक्सर अपनी पत्नी अनुश्री और अपने बच्चे को ज्यादा परवाह के बिना अपनी मर्जी के बिना बात कही। जहाँ पर जीवित नियंत्रित और अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान राजीव मीरा नामक की एक लड़की के साथ रिश्ते में है और उसके टूटने के बाद एक ऐसा व्यक्ति बन के जाता है, जो मन की स्थिति में और मीरा के साथ अपने रिश्ते के कारण अपने परिवार के सदस्यों से दूर हो जाता है। और जीवन के शुरुआती में इस बीच रेहाना नामक की एक लड़की साथ आती है, जहाँ पर देखा जाता है कि वह सबसे अच्छी दोस्त और गोपनीयता के साथ आती है। बताया जाता है कि बॉक्स ऑफिस पर मूवी को टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 10 दिनों में 2.5 करोड़ के रुपए की कमाई की। द टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचनात्मक अंजला जॉर्ज ने इसे 3.5 स्टार देते हुए लिखा कि रोमांस के ताजा कदम द हिंदू के एस प्रवीण कुमार आलोचनात्मक समीक्षाओं के साथ मिश्रा किया, जहां पर द न्यूज एक्सप्रेस के साजिश द्वारा श्रीजात कहा गया, जहां पर परनया विलास उनमें कही। इसके अलावा भावनात्मक राग मारा द्वारा यह बंद हो जाता है, यहाँ पर मिशन द्वारा पूरा किया गया। बताया गया कि 5 में से 3.5 स्टार, जहाँ पर ओटी प्लेट के राजीव सिद्धार्थ द्वारा लिखा गया, और कुछ पलों के अलावा जो दिल को छू लेंगे, जहाँ पर प्रणय विलास एक छुपने वाला मामला है जो काफी हिट नहीं करता। वहीं हालांकि समय के आलोचनात्मक 5 में से 3.5 स्टार दिया गया, जहां पर इंडियन एक्सप्रेस के आलोचनात्मक समीक्षाओं द्वारा मिश्रित किया गया 5 में से 3 स्टार रेटिंग देते हुए अन्ना एमएमएस वेंकैया कास्ट फर्स्ट के साथ आलोचनात्मक द्वारा पर नया विलास द्वारा नई जमीन तोड़ना चाहता है, लेकिन यह तो बहुत डरता है। वहीं पूरे हॉन्ग में जाने से असमर्थ होता है, जहां पर हिक हॉक परिणाम स्वरूप गुंगेरे के साथ देखा जाता है। बताया जाता है कि परनिया विलास अनारासवा द्वारा राजन के द्वारा एक बहुत बेहतरीन अदाकारी के साथ नजर आते हैं। बात करें तो यह एक अभिनेत्री है, जो प्रमुख रूप से मलयालम फिल्मों में काम करती है और उनके मलयालम लघु उद्योग
क्लोब के अभिनय की शुरुआत में उनकी पहली फीचर फिल्म उधार सुजादा 2017 में अनार्सवा द्वारा व्यावसायिक रूप से सफलता, मलयालम फिल्म में थनिक मथर्न और दिंगवन द्वारा 2019 के सुपर सरनिया 2022 के माध्यम लोकप्रियता हासिल की। इसके प्रारंभिक जीवन के अनवार्स द्वारा 8 सितंबर 2002 को कनीरूल के मूल निवासी राजन और उषा के घर में हुआ। उन्होंने सेट के मेरी गर्ल्स हुई स्कूल पियरिक नामक की प्राप्ति की, जहां पर कैरियोग्राफी के साथ अनारसा द्वारा 2017 में उधार सुजाद के साथ सुजादा कृष्ण की विद्रोही बेटे और अनिता कृष्ण के रूप में अभिनय की शुरुआत किया, जहां पर अन्य फिल्मों के संक्षिप्त भूमिका निभाने के बाद अनारसवाक द्वारा 2019 की कार्तिक मथुन और दिलगन ने अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई, जहां पर अनारास द्वारा 2022 में रिलीज तिरजा और स्टार रानी के साथ तमिल उद्योग में प्रवेश किया। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी अच्छी है। वहीं दूसरी ओर अभिनेता के रूप में अर्जुन अशोक है, जो जिनका जन्म 24 अगस्त 1992 को मलयालम उद्योग में हुआ, जो भारतीय अभिनेता सहायक अभिनेता कर्ता के रूप में भूमिका के नजर में आ चुके हैं। बताया जाता है कि यह काफी बेहतरीन और मलयालम हरीश अशोक के और कुष्ट द्वारा उरु कोमु के साथ अपनी शुरुआती करते हैं, जहां पर प्रवाह के साथ छाप छोड़ती है और जो सोबिना जाहिर की पहली निर्देशक फिल्म है, जो बाद में टैग और विजय बाबू द्वारा निर्मित स्कीपर जून और टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा उन्हें बाद की फिल्म के लिए अपने आप में दृश्य चुराते हैं, जहां पर वह बताता है कि अपने दृश्यों को चुराने वाले और वरात, उड़ाल, सुपर सरयान और एक अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय कहानी जैसी फिल्मों में देखा गया था, जो उनके अभिनेता पिता हरीश अशोक द्वारा बात कही गई थी, जहां पर काम करते हुए कहा गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है। वहीं बात करें तो प्रज्ञा विलास की, तो जो एक लव एड्रेस लिखी मुरली निर्देशक और ग्रीन रूप मेड्रोस द्वारा बैनर तले नेबोल चावला के साथ निर्मित किया गया, जहां पर एक भारतीय मलयालम में इसे अर्जुन अवराज द्वारा, ममिता देजूज हलीकूद मनोज द्वारा के व्यूज मुख्य भूमिका के लिए 24 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया। बताया जाता है कि इसकी ढालनात्मक बात कहें तो फिल्म की पहला लुक 31 दिसंबर को जारी किया गया था, जहां पर प्रोड्यूसर द्वारा कंपनी तारीख के साथ बात कहा गया था। बताया जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी लाजवाब है, जहां पर प्रज्ञा विलास फिल्म की कहानी एक कॉलेज छात्र सूरज और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, शुरुआती होती है, जहाँ पर सूरज हमेशा गीत के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इच्छा रखता है, लेकिन अंत में अपने पिता के आग्रह के कारण उसे अन्य विषयों को पढ़ने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है, जो उसे पसंद नहीं है और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने से हमेशा दुखी रहता है। अपने पिता की इच्छा के अनुसार और उसके पिता के बीच बहुत अच्छे संबंध नहीं है, ऐसा देखा गया कि साथ ही उनके पिता वेना राजीव को फिल्म में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में दिखाया गया, जो एक ग्राम अधिकारी के कार्यालयों में काम करता है और उन्हें एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया, जो अक्सर अपने पत्नी अनुश्रुति के और बच्चे की परवाह किए बिना अपनी मर्जी के अपने जीवन को नियंत्रित करता। अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान राजीव को मार डाला, जहां पर देखा गया कि राजीव के द्वारा अपने रिश्ते और इसके टूटने के बाद की बात कही, जहां पर ऐसे व्यक्ति बन गए जाते हैं जो मन की स्थिति में होते हैं, जो पर मीरा के साथ अपने रिश्ते के कारण अपने परिवार सदस्यों से दूर और एक नया जीवन शुरू करता है। इस बीच रेहाना नामक की एक लड़की के साथ पहले रोमांटिक रिश्ते टूटने के बाद सूरज अपने रिश्ते दोस्त के साथ अच्छे करते हैं और गोपनीयता के साथ रिश्ते को बनाए रखते हैं, जहां पर देखा जाता है कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और काफी लाजवाब है। वहीं रिश्ते के टूटने के बाद सूरज द्वारा अपने स्टार्टिव द अर्जुन अशोक द्वारा बताया गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन और ममिताज की एक बात कही, जहां पर देखा गया कि यह फिल्म हर एक मामले में अच्छी है। वहीं वानरसा राजद द्वारा 8 सितंबर 2002 को जिनका जन्म हुआ, जो अभिनेत्री के रूप में काम करती है और बाहरी टिप्पणियों को देखती है। वहीं वाराणसी में 2017 में उत्तराध सुजात के साथ कृष्णा विद्रोही के बेटे उथिल कृष्ण के रूप में अभिनय की शुरुआत की, जहां पर कुछ अन्य फिल्मों में संक्षिप्त भूमिका निभाने के बाद वाराणसी 2019 की फिल्म के साथ
अनिरुद्ध मथन दिनुवन ने अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई, जहां पर अनराज द्वारा 2022 को रिलीज हुआ, जहां पर तिरसा स्टार और रंगीन के साथ तमिल के उद्योग में प्रवेश किया। बताया जाता है कि इसके रावणराज द्वारा उदार सुजादा के साथ काम किया, जहां पर मलयालम के साथ देखा जाता है। बताया जाता है कि यह फिल्म परनिया विलास के द्वारा निखिल और मुरलिक द्वारा निर्देशित और ग्रीन रूम प्रोड्यूसर के बैनर के तले चिबिक चावल के राजीक द्वारा निर्मित किया गया, जहां पर भारतीय मलयालम फिल्म के साथ इसे अशोक अरनाज और राजत मुमिताज बेजू हकीक सोज मनोज केयूर और मुख्य भूमिका में है। जय यह फिल्म 24 फरवरी 2023 को है। बताया जाता है कि इसकी इर्द सूरज हमेशा संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, लेकिन अंत में अपने पिता के आग्रह के कारण उसे अन्य विषयों को पढ़ने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है, जो उसे पसंद नहीं है, और अपने जीवन के अनुसार नियंत्रित होने में हमेशा दुखी रहता है। अपने पिता की इच्छा के अनुसार उसके पिता के बीच एक बहुत अच्छा संबंध नहीं है, ऐसा देखा गया कि साथ ही उनके पिता वेनियाल राजीव के फिल्म में सरकारी कर्मचारी के रूप में दिखाया गया, जो एक ग्राम अधिकारी के कार्यों में काम करता और वह एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया, जो अवसरों की तलाश करता और एक स्वार्थी व्यक्ति के चित्रण के साथ देखा जाता और बच्चे की ज्यादा परवाह किए बिना अपनी मर्जी में अपने जीवन को नियंत्रित करता है, जहां पर अपने विश्वविद्यालय के करियर के साथ दिखाया जाता है। इसके बाद अपने परिवार के सदस्यों को दूर नया जीवन के साथ रहना पड़ता है, जहां पर लड़की के साथ अपने रोमांटिक रिश्ते को टूटने के बाद सूरज अपने अच्छे दोस्त गोपनीता के साथ जोड़ता है। बताया जाता है कि वह अपने संदर्भ को अच्छे रखते हैं। वहीं बात करें तो फिल्म रोमांचक हो जाती है, जहां पर बहुत अच्छे हैं। कहा जाता है कि इस फिल्म को काफी अच्छे से बनाया गया और पोस्टर लुकिंग के साथ कुछ बेहतरीन ढंग से किया गया, जहां पर अर्नुज और मियां जॉर्ज की भी लुक देखी गई। मियां जॉर्ज की बात करें, जो मच्छी के नाम मियां जॉर्ज के अधिक सामान्य मियां के नाम से जानी जाती है और वह अपने भारतीय अभिनेत्री के रूप में मलयालम फिल्मों में काम करती है। उन्होंने टेलीविजन शो में सहायक भूमिका निभाई, जहां पर अभिनेत्री के रूप में कोरियोग्राफर और ईस्ट ऑफ लव लोग के साथ डॉक्टर लव 2011 में अर्धिरिया के साथ देखा जाता है। बात करें तो इनकी प्रारंभिक जीवन की, तो मियां का जन्म डॉबलिंग के मुंबई जॉर्ज जोसेफ मिनिक नामक के जॉर्ज की बेटी में हुआ था, जहां पर एक सिरो मलबार और कैथोलिक परिवार के रूप में हुआ, जहां उनके पिता और इंजीनियर के रूप में काम करने के बाद में 4 साल की उम्र में वह कोटा में पालक चली गई और उनके स्कूली शिक्षा के बाद बताया गया कि वह अपने हायर सेकेंडरी स्कूल भारमंग के साथ उन्होंने अफसोस कॉलेज के साथ पलायक बीएम की डिग्री पूरी की, जहां पर सेठ थॉम्स के साथ कॉलेज के साथ की, जहां पर एक प्लाइग एक बड़ी बहन की ग्रीन में काम की, जिसके शादी लिजोज में काम करते हैं, जहां पर बेंगलोर में रहते हैं। वहीं 22 को बताया गया कि यह 2022 को 12 सितंबर को मियां के कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण उसे साधारण समारोह में सेठ के बेजरीब ऑफ कुर्दा व्यवसाय की असफलता के साथ